अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के होटल लेमन ट्री में सिराजुद्दीन कुरैशी, डॉक्टर माजिद तालकोटी के पैनल का इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर चुनाव प्रचार के लिए एक मीटिंग 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, अल्लाह का शुक्र है जो अलीगढ़ में आने के बाद जो प्यार मिला, मोहब्बत मिली, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, एहसान मंद हूँ जो मेरी हिम्मत अफजाई की, और मुझे उम्मीद है उनके प्यार से मुझे एक खिदमत का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله العظيم. استقبال کرتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ ہمارے پینل کے امیدواران स्टेज पर तशरीफ रखें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हाजी जहीर साहब से, जो हमारे शहर और मुल्क की नामवर शख्सियत हैं, कि वो आज की मीटिंग की सदारत को कबूल फरमाने का हमें मौका इनायत फरमाएं। हाजी जहीर साहब, सिराज कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारे इस्लामिक सेंटर की सदारत के नौजवान, फार एक्टिव और बेहद तालीम याफ्ता काबिल तरीन शख्सियत डॉक्टर माजिद तालकोटी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले जाए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जनाब करीम हफीज साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले जाए। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए उम्मीदवार जनाब सरताज अली साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। रूहीबादी हमारे शहर की कायद हैं, लीडर हैं और हमारी अली बिरादरी की बहुत जगह रिप्रेजेंटेटिव रही हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले जाए। हमारी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे इरशाद अहमद साहब, उनसे गुजारिश है, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में इस वक्त उम्मीदवार हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ रखें। इरशाद अहमद साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे पुराने साथी हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पैनल में सिराज साहब की तरफ से उम्मीदवार हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो दिल्ली से तशरीफ लाएं, वो भी वहां पहुंचे। और आरिफ हुसैन साहब एग्जीक्यूटिव के मेंबर के लिए उम्मीदवार हैं, उनसे भी गुजारिश है। और हमारी अलीगढ़ से हमारे एग्जीक्यूटिव के उम्मीदवार जनाब सलमान वारिस साहब से गुजारिश है धर्मपुर वाले कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, एग्जीक्यूटिव के उम्मीदवार हैं आप। जनाब हिदायतुल्ला साहब जो हमारे एग्जीक्यूटिव के उम्मीदवार हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ रखें। और हमारे दरीना साथी, सुख दुख के साथी और स्टूडेंट यूनियन के
साबिक नायब सदर राजा पंडावल के बेटे जनाब हैदर अली खान सर से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले जाएं और हमारे शहर के साबिक वाइस चेयरमैन मुख्तार जैदी साहब अभी तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आने की जहमत गवाह करें। जनाब अजय पटेल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं, हम सब उनके मौजूदगी स्टेज पर चाहते हैं। जनाब अजय पटेल साहब रेनॉल्ट एक्सपोर्टर हैं और हमारे बहुत मौजूद मेंबर हैं। मैं चाहूंगा कि अपने कुछ मेहमानों का इस्तकबाल गुलदस्ता पेश करके किया जाए। सबसे पहले मैं जमाल खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बुके पेश करें हमारे सदर के पौधे के लिए उम्मीदवार जनाब डॉक्टर माजिद ताहिर कोटी साहब की खिदमत में गुलदस्ता अकीदत पेश करें। जनाब जमाल खान साहब इन तमाम हालात पर कि आप सब पहले बाखबर हो जाएं कि आगे हम जो बात करने जाएंगे वो क्या होगी, तो आपके नॉलेज में ये तमाम चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो भी तब्दीलियां हुई हैं, जो भी नशे व फराज इस वक्त एक डेढ़ साल से चल रहे हैं, और मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से सदर इस्लामिया इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से गुजारिश करूंगा कि वो पॉडियम पर तशरीफ लाएं और हालात हाजरा से और गुज़श्ता हालात से भी तमाम सामईन और मेंबरान को हमारे बाखबर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान खवातीन हज़रात, खासतौर पर इंडिया इस्लाम कल्चर सेंटर के मेरे अजीज मेहमान, मैं आपका तहे दिल से वैसे शुक्रिया के अल्फाज बड़े अजीब होते हैं, लेकिन चूंकि वही अल्फाज हमारे पास होते हैं तो मैं आपका दिल की गहराइयों से यहाँ पर सवाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए हमारी इस अपने से दरखास्त पर। वैसे तो हर पाँच साल के बाद आपसे मुलाकातें इस सिलसिले में काफ़ी होती हैं, क्योंकि मैं अलीगढ़ आते रहता हूँ। मैं तो अलीगढ़ का ही होकर रह गया जब मैंने यहाँ प्राण लगाया। आप लोगों की मोहब्बतें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर जो आपका ताउन रहा है हमेशा से, चार बार आपने इलेक्शन मुझे जितवा के भेजा और चारों बार आपने देखा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का कोई बड़ा खतरा नहीं। इस बार बदनसीबी से लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि आइन के अंदर एक 75 साल की उम्र की कैद थी जिसको दूर करना बड़ा आसान था, और उसके लिए सबसे पहले हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फैसला करते हैं कि उम्र बढ़ाई जाए, उसके बाद उसको जनरल बॉडी में लेके जाया जाता है। लेकिन बहुत ही अफसोस और दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है आप सबको कि जो मेरे साथ पिछले 5-4 बार मेरे साथ जीत के आए, मालूम नहीं उनके जहन में क्या था कि उन्होंने 6 महीने पहले 75 साल होने से मुझे बिल्कुल ख्वाहिश कर दिया। वो दुख दर्द जो है वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ और जो मेरे नज़दीक लोग रह चुके हैं वो जान सकते हैं कि जिनको मैं 4 बार इलेक्शन जितवा कर आया, और मैं हमेशा इसी तरह से आता था, मेरे साथ बैठते थे जैसे आज आने वाली नई टीम आपके सामने बैठी है, सबका ताल्लुक कराता था, सबको मिलवाता था, सबको सबकी खिदमत करता था। अब वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं
मैंने उनसे सिर्फ इतनी बात कही कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसके अंदर 9 लोग वोट के अंदर होते थे तो उन्होंने 6 लोग अलग हो गए और उन्हें कह दिया कि बोर्ड जो है वो सुप्रीम है जनरल बॉडी से भी। जनरल बॉडी कौन होती है? हमारे मेम्बरान बैठे हैं, जनरल बॉडी वो होती है। 4,000 मेम्बर आप लोगों की दुआ से बन गए, आपके कलीग आपके साथी मेरे हमेशा से मोहब्बत रखने वाले। मैंने कहा कि ये मामला उनके पास जाया जाए, और इसके अलावा बहुत सारे भी लोग हमारे जजेस भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। मैंने कहा उनके पास जा लो, 8-10 लोगों की टीम बना लो और ये मामला उनके सामने पेश करो ताकि ये जो है मामला यहीं पर ही रहे। वो नहीं माने और मैंने कहा सर जो मेरी पावर है आई के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप मीटिंग भी बनाना चाहते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं आज प्रेसिडेंट का आने वाली, वो सेक्रेटरी। मैंने उनसे बहुत कहा, मैंने कहा आप मीटिंग बुलाओ नहीं बुलाई, मैं पूरे पूरे प्रोसीजर के साथ चला और नहीं माने। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं अपनी पावर इस्तेमाल करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है, प्रेजिडेंट जो है वो उसको सारे अख्तियार हैं एमरजेंसी के अंदर, और मीटिंग कोई सी बुला सकता है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए मैंने नोटिस निकाल दिया। जैसे ही नोटिस निकला आपको फिर मेरे हाथ में जोड़े कि नहीं इस नोटिस को वापस ले लीजिएगा, हम लोग यह बैठ कर फैसला करते हैं आपकी वहाँ का और हम खुद ही यहाँ फैसला कर देंगे। मैं फिर उनकी बात में आ गया, 19 साल का रिश्ता रिश्ता होता है, क्या हुआ अगले दिन कोर्ट को चले गए, रात को कोई बात थी, सुबह कोर्ट के अंदर से नोटिस आ गया। भाइयों बहनों मेरे अजीज दोस्तों, बहुत गौर से सुनने वाली कई बातें हैं, मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूँ, मेरे कोई और नहीं होता तो शायद यही सब बातें सोचता। आप लोगों की मोहब्बत थी जो आपने 4,000 मुझे चुनके भेजा, क्यों भेजा? 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2004 के अंदर जब आपने मुझे पहली बार भेजा चिम चुन के, तो सेंटर की क्या हालत थी, सेंटर कहाँ खड़ा था, उसका क्या वजूद था। मैं हमेशा हूँ अपने बुजुर्गों की बड़ी तारीफ करता हूँ जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली, फाउंडर मेम्बर हमारे रहे। खासतौर पर जिक्र करने की बात है हमारे हिदायतुल्ला साहब, जस्टिस हिदायतुल्ला साहब, उन्होंने 1982 के अंदर किसी न किसी तरह जमीन हासिल कर ली, उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी थी, 1984 के अंदर उसकी बुनियाद पड़ी और 2004 तक जो उसकी हालत रही वो सब जानते हैं। आखिर में हमारे चीफ अब्दुल हमीद साहब थे प्रेसिडेंट, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना, वो 20 साल का पीरियड भी काफ़ी लंबा पीरियड है। आप लोगों ने मुझे चुनके भेजा, इससे पहले कभी इलेक्शन नहीं होता था, पहली बार इलेक्शन जो है धोखा गया, और मैंने ये वादा किया तो उस इलेक्शन के अंदर भी इलेक्शन कैंपेन के अंदर के इसको मैं 1.5-1.5 साल के अंदर पूरा कर दूँगा। आप लोगों के ताबुन से, आप लोगों की कोशिश हो, आप लोगों की मोहब्बत से वो सेंटर जो है वो 1.5 साल के अंदर जो आज देख रहे हैं खड़ा हो गया। इसकी एक लंबी कहानी है, लोग उसको चाहे कितने आज हो जो 20 साल रहे तो उन्होंने मुझे आप तक वही बात पहुँचाई जा रही है कि 20 साल हमको काम नहीं करने दिया सिराज कुरैशी ने, और सारी बात जो अपनी मौका था मैं कभी पसंद नहीं खाता क्योंकि मैंने हमेशा उनको साथ लेके काम किया, हमेशा अपने साथ लेके चलता था। वहाँ पे बड़े बड़े बादशाह आ गए, बड़े बड़े सबूत आ गए, घर मुल्क की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े वजीर आजम आ गए हमारे हिंदुस्तान के, तो कई वजीर आजम आ गए, कई इसके अंदर सदर आ गए। कौन सी ऐसी अलग शख्सियत है जो वहाँ पे तशरीफ नहीं गए, उसको जीनत नहीं बख्शी? इमाम हरम साहब आ गए, इमाम हरम आए तो पूरी सड़कें बंद हो गई हमारे, जो सामने पीछे सड़क के चारों तरफ पहरे लग गए, पुलिस लग गए। कहानी बहुत सारी हैं, बेपना कॉन्फ्रेंसिस की गई, इंटरफेथ प्रोग्राम बहुत सारे किए गए, 18,000 से बच्चे जो हैं तालीम हासिल करके वहाँ निकले, पर्सनल डेवलपमेंट का ये कोर्स हमने किया, बहुत मशहूर कोर्स है, 14-15 साल उस कोर्स को हमने कराया उन छोटे छोटे नौजवान बच्चों को जो खासतौर पर 10वीं से लेकर 12वीं क्लास तक ड्रॉप आउट होते थे, उनको आगे लाए और उनके उनके पैरों पर खड़ा किया, और आज वो रोजी रोटी से जुड़े हुए तकरीबन 70% बच्चे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की,
उसके लिए मेले लगाए गए, मल्टीनेशनल कंपनीज को बुला बुला के बच्चों को वहीं पे अपॉइंटमेंट करा दिए गए इंटरव्यू लेने के बाद। इसके अंदर मैं यही कहता सिर्फ राज्य में कुरैशी का हाल था, चाहे उसकी काविशें थी, मैं सबको पूरा साथ लेकर चला। और एक एक प्रोग्राम जो है प्रेसिडेंट के आने के, कई प्रेसिडेंट यहाँ आ गए, वजीर कई वजीर आ गए, ए पी जे डॉक्टर अब्दुल कलाम उद्धव तशीफ आए थे, जब आया थे उनके ऊपर हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की। इस लेक्चर सीरीज के अंदर हमने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, प्रेसिडेंट भी आ गए, वाइस प्रेसिडेंट भी आ गए, मिनिस्टर भी आ गए, उसकी तारीफ उठा के देख रहे हैं। जिसको तारीफ नहीं मालूम वो अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर क्या क्या काम हुए हैं। और मैंने इन सबको साथ लेकर चला। 2006 के अंदर इसका इनॉग्रेशन किससे हुआ, किसने किया, मिसेस सोनिया गांधी। मैडम सोनिया गांधी आई तो उन्होंने भी देखा, एक तरफ बोर्ड लगा होता है मिस इंदिरा गांधी की फाउंडेशन रखने का, तो दूसरी तरफ जाहिर है कि मैंने उनका बोर्ड लगवाया कि उन्होंने इनोवेशन किया, खड़े होकर दोनों तरफ पढ़ा। एक सेकेंड उन्होंने 22 साल जुड़ लिए, उससे पूछते हैं 22 साल क्यों लग गए इसको बनने के अंदर। मैंने कहा इतफाक की बात है कि आपकी मदर इंडा ने जो है इसकी बुनियाद डाली और आज उनकी डॉक्टर इंडा जो है इसका इनोवेशन कर रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी वक्त लगेगा बताने में, 20 साल की चीज़ें 20 मिनट में नहीं पूरी हो सकती। मैं इनको सबको साथ लेकर चला, कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाने के बाद मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया, बिलो द बेल्ट इवन, मैं वो भी बर्दाश्त करता गया। कोर्ट में ऐसे ऐसे लोग, 6 लोग मेरे खिलाफ हो गए, 2 लोग बाहर भी उसमें शामिल हो गए। एक फॉरवर्ड सेक्रेटरी थे जिनको जरूरत थी, यहाँ से सबने हटाया खड़े हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत बदतमीजी से शुरू कर दिया। आज वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी ग्रुप के साथ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं। उनको मैंने डेवलप किया, उनको ग्रूम किया, गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, वो UDC थे, उनको मैं लेकर आया। मैंने उनको तो काम करते देखा कि मेहनत करते थे मिनिस्टर के साथ, लेकिन उन्होंने आपके पहले दिन जब इलेक्शन जितवा दिया लड़वा दिया उनको, तो कहने लगे मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना पड़ा। मेरे 5 साल बाकी हैं, मुझे मुझे पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ना है, मुझे थोड़ा सफर करो। और उन्होंने वो इशू आपकी सेक्रेटरी की कोई हैसियत ज़्यादा नहीं होती हिंदुस्तान कल्चर सेंटर के अंदर, उसको भी अपॉइंट करता है बोर्ड, या बोर्ड भी करता है प्रेसिडेंट की मर्जी से। उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की, अपनी मर्जी चलाने लगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने लगे, खाने के खिलाफ जाने लगे, समझाया नहीं समझे। बोर्ड ने देखा, बोर्ड ने तो दो तीन हफ्ते में मुझे कह दिया था कि आपने गलत आदमी को चुन लिया, सिक्रेटरी से हटाइए इनको। मैंने बोर्ड को समझाया, माफ़ी मांगी, मैंने कहा इसका दरगुना दरगुजर करो। उसके बाद एक दिन यही फैसला हुआ कि बोर्ड ने सबने फैसला किया इस आदमी को हटाया जाए सिक्रेटरीशिप से, ना कि उनको सेक्रेटरीशिप से हटाया गया, तो उनकी मेंबरशिप भी पहली बार तारीख के अंदर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की किसी आदमी को निकाला गया। ये वाइड केस है। और उसके बाद क्या हुआ, जिसमें 6 लोग जो है इस्लाम कोर्ट में गए, 8 लोग की कोर्ट में गए क्योंकि उनके हाथ में पावर आ गई। उन्होंने कोर्ट के अंदर जहाँ मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें कही जाके, किसान डिक्टेटरशिप होती है, सब जानते हैं मेरी आदत से वाकिफ हैं, इतर से बाकी रहा, मैं कभी किसी के आगे शायद बोलता भी नहीं हूँ। जो वहाँ पे वाहियात है कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए कोर्ट में जाके, यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट में ये कह दिया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाए। मैंने कहा 6 आदमी इतने नाअहल हैं, इतने नाकारा हैं कि इनको बाहर के आदमी को लाना पड़ रहा है और अपने हाथ से किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और जब मेरी प्रेजिडेंशिप खत्म की, उन्होंने 6 महीने वापस आ गए थे इलेक्शन के अंदर, अगले इलेक्शन में। ये बात जून की है, 6 महीने के बाद यानी जनवरी के अंदर आपका इलेक्शन होने वाला था, तो साहब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर उठवा दिया, ऑब्जर्वर उठवा दिया। आज आपका सेंटर जो है वो सरकार के हाथ में है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर किसी मेंबर के हाथ में नहीं है। इसके बाद आप सुनिए, वो कोर्ट में गए, तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये तो हमारा अब तक खर्च हो चुका है। जो ऑब्जर्वर एडमिनिस्ट्रेशन बिठाए गए हैं, 8-10 लाख रुपये महीने का वो खर्चा है, और 1 साल से उनका खर्चा बर्दाश्त कर रहा है।
कि मुझे हटाया गया या मैं हटा, कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कि मुझे हटा दिया गया। फिर भी मैंने इज्जत के खातिर लगा कई बार इस बात नहीं जानी चाहिए, मैं खामोश होकर बैठ गया। यही नहीं हुआ जो उन्होंने मुकदमे लड़े, 30,000 रुपया हमने से वसूल कर लिया गया धर्म पिटिशन से अपने वकीलों का। ऑब्जर्वर साहब को कॉन्फ्रेंस में ले लिया, कोर्ट को कॉन्फ्रेंस में ले लिया। मैंने मना भी किया ऑब्जर्वर साहब को, साहब ये गलत कर रहा है, जो कर रहे हैं पैसे इनको दे रहा है। मैं मेरे हाथ में 6 लोगों का डिसीजन है, मैं 6 लोग कौन से अथॉरिटी है। ऑब्जर्वर साहब को भी उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में ले लिया। वैसे ऑब्जर्वर साहब ने कहा कि आप भी अपने क्लेम फाइल कर लो, 20-25,000 रुपये आप भी ले लो, आप भी मुकदमे लड़ रहे हो के खिलाफ। इनका मैं कैसे नहीं दूंगा, शुक्रिया। यहाँ तक मामला उठे आके कोर्ट ने फिर ऑर्डर पे ऑर्डर 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 किए। मैंने कोर्ट में जाके एक ही बात की, चीफ जस्टिस कोर्ट में गया, तो सब मामला जो है वो सिर्फ इतना है कि जनरल बॉडी मीटिंग के लिए मैंने कहा था, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए मैंने दरख्वास्त की थी, जो इन्होंने आके कोर्ट के अंदर फाइल कर दिया। आज से 1 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने मुझसे ऑर्डर कर दिया कि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जाए। उसके अंदर क्या धांधली हुई, उसमें लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 75% लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक ऐसे स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर अगर 100 लोग आते हैं, यानी 100 लोगों को नोटिस गया और उसके अंदर 75 लोग आए, तो 75 लोगों की उसके अंदर हाजिर की जरूरी है। सब जानते हैं इस तरह के रूल होते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो साल मीटिंग तो हुई, स्पेशल जनरल बॉडी में बहुत सारे आप लोग भी आए। एक तो वहाँ इतनी बदतमीजी थी, बहुत इंतजामी थी, बहुत सारे लोग भी हैं, तकरीबन 100 लोग को उसमें वोट ही डाल पाए, बाहर के लोग बहुत सारे हैं, अलीगढ़ के लोग भी आए थे, गरीब वापस उठ गए। ई वोटिंग उन्होंने रात को फैसला किया, हम कोर्ट से कहते रहे कि ई वोटिंग कम से कम बाहर के लोग करा दीजिए, उन्होंने एक दिन पहले फैसला किया तो ई वोटिंग भी पूरी नहीं हो पाई। तीसरा ये क्या उन्होंने कि साहब वोटिंग तो हो गई, आपको सिर्फ 55% वोट मिले। मैंने कहा 55% वोट नहीं है, अगर आपने 55% वोट मांग ली है, मेरे खिलाफ 10 स्टार वोट्स खड़े हुए थे जो मेरे खिलाफ लड़ रहे थे, मैंने वो 10 एक जगह थे, मैं एक जगह था। इसके अंदर 75% आपने करा दिया, लोग आ गए, कोरम पूरा हो गया, लेकिन मेजोरिटी किसकी आई है वो देखिए। उन्होंने मेजोरिटी उसी को मांग लिया, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, वकील बैठे हैं, सब जानते हैं कि इस तरह की होती नहीं। उसके अंदर भी उन्होंने अपना खेल खेला। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये नौबत बार बार इलेक्शन की इस तरह की आती है, उसके अंदर लोगों को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, उसके सब सवाल जो है हमें बनते हैं। अब कोर्ट का फैसला आ गया और मैं चला गया, तो मैंने ठीक है 75% मैंने कहा था 75% लोगों ने वोट डाल दिया है, अब लेकिन परसेंटेज और काउंटिंग नहीं होगी इसके अंदर, मेजोरिटी किसकी है। मेजोरिटी आपके अगर 50% से मेरी कम होती तो मैं मान लेता कहाँ ठीक है मार गया। 55% वोट देने के बाद भी आप कह रहे हो कि मैं हार गया, मैंने फिर भी मान लिया, मैंने कहा चुनौती को अभी कोर्ट पे फिर जाऊंगा मैं, फिर मुकदमेबाजी होगी और सेंट्रल का और नुकसान होने वाला है। उसके बाद कोर्ट ने फैसला कर दिया कि हाँ इलेक्शन करा दिया जाए, तो 11 अगस्त को जो है ये इलेक्शन होगा। मेरे अजीज दोस्तों, हम लोग कहाँ पर हैं? इंडिया इस्लामिक पिक्चर सेंटर को मैंने सींचा, आप लोगों के ताबूत में अकेला दावा नहीं करता हूँ। 4,000 लोग, ये भी शुक्र है कि 4,000 लोग जो हैं जिनको मेंबर बनाया गया है, उस सबके पास अगर खूब गए हैं तो मेरी सिग्नेचर से गए, कमेटी मैंने बनाई। मुझे अंग्रेजों में बड़ा डेमोक्रेसी के अंदर लीव करके कमेटी बनाता था, 27 कमेटी बना करता था मैं, जिसके अंदर एक कमेटी जो थी मेंबरशिप की भी थी, जो आज प्रेजिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सेक्रेटरी थे। मैंने उनको अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी, टीम होती थी पूरी, उन्होंने भी उसका नाजायज फायदा उठाया क्योंकि नीयत अच्छी नहीं थी। उन्होंने भी मेंबरशिप जो है सब लोगों को देनी शुरू कर दी, मैं तो सिर्फ साइन करके दे दिया करता था लेटर के, हाँ मुझे नहीं मालूम था पीछे इसके पीछे भी कुछ राज हो रहा है, यानी मतलब आपकी नॉलेज में इसलिए ये सब बातें ला रहा हूँ, काफ़ी वक्त मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये अहम बातें हैं
क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी टीम यहाँ बैठी है मुझे इलेक्शन जीतना है या मेरी टीम को यहाँ पर इसलिए कराऊंगा मुझे वोट दीजिए ना। ये मेरा सेंटर है, सेंटर को मैं अपने घर पर नहीं ले चुका है, सब जानते हैं। मैंने अपने बहुत सफर किया, मैंने मुझे इस्लामिक पेटर सेंटर के 20 साल के अंदर, और 20 साल के अंदर मैं इसको जिस तरीके से चलाया आज इसका नाम जिसका शोहरत जानते हैं आप सब जानते हैं। आज आलमी शोहरत का वो एक मुजस्मा बन गया है। अब उसको पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर ना तो कोई झाड़ू लगाने वाला है, ना उसकी सफाई करने वाला है, ना उसका कोई देखभाल करने वाला है। जो उसके अंदर 6 लोग मेजोरिटी की बात करते थे, कोर्ट ने उनसे पूछा, कहते हम मेजोरिटी के फैसला हम करेंगे। उसने कहा मेजोरिटी 6 लोगों की होती है, 4,000 लोगों की है, इस साल उन लोग फैसला ऐसे करते हैं। कोर्ट ने उनको वोट डांट पड़ाई, उन्होंने कहा वोट 4,000 लोगों का फैसला जो है ना वो आप लोगों को मानना पड़ेगा। उसके बाद ही सभी भी सेशन में बड़ी मीटिंग वगैरह हुई। बस बहुत सारी बातें हैं, कुछ याद रहती हैं कुछ याद नहीं रहती। मैंने आपको सीक्रेट बता दिया अपने 20 साल की। अभी इलेक्शन हो रहा है आपके सामने, सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो कैंडिडेट्स यहाँ पर लड़ रहे हैं कि ना तो उनका कोई सेंटर के अंदर एक पैसे का कंट्रीब्यूशन है, ना ही किसी ने आके एक ट्वीट लगाई, ना ही किसी ने किसी एक एमपी को दावत देकर बुलाया, ना ही किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस कराई, ना ही किसी ने आके ये पूछा कि सेंटर का हाल क्या है, किसी इसकी इसका कोई मददगार चाहिए या आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी ने क्या। ऐसे ऐसे लोग भी इलेक्शन के अंदर लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ चुके हार चुके, अब भी लड़ रहे हैं कोशिश करके। 40 साल में उनका मेम्बरशिप उनकी भी हो गई है, लेकिन कभी एक दिन आके सेंटर में झांका नहीं किसी ने कि सेंटर कुछ लोग पूछने चल के वहाँ की मैं किसी बुराई नहीं कर रहा। मेरे सब अजीज हैं, मेरे सब दोस्त हैं, मैं बिल्कुल कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ सबकी। मैं सिर्फ इसी बातें बताना चाहता हूँ कि सेंटर के लिए करेगा कौन क्या। 20 साल का मेरा रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अगले 20 साल में भी आपको प्रणाम दे दूंगा आज ही बैठ के। मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैंने हर बात आपको दिल की कही है, सच कही है, और जो आवाज निकलती है वो जल्दी निकलती है। मेरे डॉक्टर माजिद ने आपको लाके बिठाया, मैं वो ना डॉक्टर है, कैंसर के आलमी डॉक्टर है। एक डॉक्टर के 3 लाख मरीज हैं, जब इनकी उम्र सिर्फ 47 साल की है। अल्लाह ताला ने हुनर दिया, अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी, अल्लाह ताला ने शफा दी। 20,000 से ज्यादा तो इन्हें सीरियस ऑपरेशन कर चुके हैं, देखो ना मदद करते हैं लोगों की। इनको जोड़ दिया कभी इस सियासी पार्टी से, कभी उस सियासी पार्टी से, वहां पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं तो कम से कम इस बात पर यकीन में रहता हूँ कि जो बरसरेदार पार्टी हो उसको उसके खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। और मेरी बात से सभी इतफाक करेंगे, छोड़ दीजिए कौन किसका ताल्लुक कहाँ कैसे कैसे किस तरह से है। मैंने हमेशा इज्जत दिया हर पार्टी की, जो जितनी सियासी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर मुशी पार्टी उनके साथ आज भी कल भी ताल्लुकात थे, आज भी हम कल भी रहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता मैं खिलाफ पार्टी से, मेरा कोई मेंबरशिप है कुछ है, आज भी ताजिम करता हूँ, कल भी ताजिम करता था। सभी डॉक्टर सोनिया गांधी से इनोग्रेशन कराया, मैंने अटल जी वहाँ पे आए, अडवाणी जी वहाँ पे आए, डॉक्टर मुरली मनोहर जी सिंह वहाँ पे आए, हमारे ये जो वजीर आजम जी उन्होंने भी कई बार कोशिश में खड़ी जाहिर की, इसमें कभी सियासी नहीं होना। उन्होंने कभी ये नहीं बोली, सियासी लोग मेरे साथ हैं, मेम्बर्स हैं बहुत सारे सियासी लोग, लेकिन मैंने मुझे इस्लामिक पेटर सेंटर को सिर्फ इस्लामिक सेंटर रखने की कोशिश की, ना कि सियासी सेंटर बनाने की कोशिश की। अजीजों भाइयों दोस्तों बोलो, इंडिया इस्लामिक पेटर सेंटर का मुस्तकबिल आपके हाथ में, इसको हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं आपके हाथ में। फ्यूचर प्लान में आपको एक मिनट में और बता देता हूँ, कभी पिछले कई साल तक मैंने बहुत मेहनत की, जहाँ आपका ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हिंदुस्तान में या दुनिया में बहुत सारे सेंटर बन सकते हैं। मैं दुनिया के अंदर बहुत सारे सेंटर देख चुका हूँ, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जैसा मैंने कहीं नहीं देखा। हिंदुस्तान में और सेंटर बन सकते हैं, कई स्टेट्स के अंदर मैंने अप्लाई किया, लेकिन हमारी टीम ने काम नहीं किया, नहीं इस तरह हम बना पाए, अकेला सराज मेजी ने सारे काम कर नहीं सकता था। लोधी रोड के ऊपर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दोबारा नहीं बन सकता। दिल्ली के किसी कोने के अंदर भी इस आज 1,000 करोड़ की जमीन है, आप लोग कुछ सोचो कि आप लोग उससे मालिक हो।
सेंटर जो है वो अच्छे हाथों में रहना चाहिए, अच्छे हाथों में इसकी एक्सपेंशन की मैंने प्लान की। जिस जगह का मैं जिक्र किया है राजस्थान के चंद रोजी रोड पर, वहाँ पर ये लीचेस्ट इलाका कहलाता है, जहाँ पर आप एक गेट भी रखोगे तो वहाँ पर एन जी एफ सी से परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने एक मेहनत की, परमिशन मेरे हाथ में आने वाली थी, इनमें से किसी ने जाके वहाँ पर ना मुझे शिकायत कर ली, वो परमिशन रुक गई फाइल रुक गई, लेकिन वो कोई मुश्किल नहीं है। मैंने थोड़ा फॉर्मेट हो गया, मैंने कहा डेढ़ साल दो साल निकल जाए, कोविड के साथ कोविड का टाइम निकल गया। पिछले सेक्रेटरी साहब को मैंने जिक्र किया, उन्होंने बताई से कि कोविड आ गया, डेढ़ साल इन्होंने बर्बाद कर दी, इस सारी टीम ने पाँच साल बर्बाद हो गए। इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ कि इस पाँच साल के अंदर हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो मेजोरिटी हो गई उनकी, इससे सियास विशी वो खराब हो गए, इससे वो अकेला पड़ गया। मैं आप लोगों से बस इस बात की अपील करना चाहता हूँ, नौजवानों को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे एक ड्रीम है, ये प्रोजेक्ट है जो मुझे सौंपा गया था 2004 के अंदर, आज उसको मैं एक नया रूप देना चाहता हूँ। आज उसके अंदर कैपेसिटी सिर्फ 1.5 हज़ार लोगों की है, उसको बढ़ा के 3.5 हज़ार करना चाहता हूँ। एक ऐसा कन्वेंशन हॉल बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर 1500 लोग एयर कंडीशन हॉल के अंदर आप बैठ सकें। दिल्ली के अंदर किसी 5 स्टार होटल के अंदर इतना बड़ा हॉल नहीं है। बीती मस्जिद करीब 150 गाड़ियों की उसमें पार्किंग, मल्टी स्टोरी वहाँ पर एक बिल्डिंग बनेगी, और उसके अंदर जो सहूलत हैं खासतौर पर बच्चों के लिए, तालीम के लिए, UPSC के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, इनसे पर भी हमने बहुत काम किया है। बहुत सारे जुडिशरी में हमने बच्चों को भेजा है, पर्सनल डेवलपमेंट की मैंने बात की, 6 साल की बच्ची की एडमिशन लेके आप लेने के लिए आ गए हमारे यहाँ। मेरे बेटा तो बहुत छोटी हो, नहीं मुझे लेनी है, लेना है, वो गरीब आई, बोलती नहीं थी, जानती नहीं थी कुछ बोलना, स्टेज पर आके खड़ी हो गई, कांपने लगी, 4-5 दिन उसे ग्रासन भी आके उसी स्टेज ले थे अंग्रेजी के अंदर। एक और भी छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, एक लड़की आई स्कूल से 10-11 क्लास में पढ़ती थी, कुर्ती के अंदर सिमटी हुई थी बिल्कुल, तो वो भी आ गई, तो वहाँ से गरीब बैठे, हमने कहा चलो स्टेज पे, हम बच्चों को बुलाते हैं स्टेज पे, अपना नाम बताओ, क्यों बनना चाहती हो, क्या ट्रेनिंग लेना चाहती हो, क्या। वो गरीब आई तो वो तो इतनी गिर गई, इतनी कांप रही थी वो, उसको फिर संभाल लड़कियों ने समझाया, पसीने आ गए उसके, और वो पूरा अपना नकाब के अंदर थी, तो सब लोगों ने समझाया, हमने ट्रेनर वालों ने उसको बिठाया। अगले दिन कहते हैं मैं नहीं आऊँगी, मुझे उनके यहाँ की घुटन सी महसूस हो रही है। हमने फिर बुलाया उसे, 2-3 दिन 4 दिन के बाद फिर उसको स्टेज पर बुलाया, फिर खड़े होकर कम से कम उससे अपना नाम लेना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते के बाद मदरसे से लड़की पढ़ी आई, अंग्रेजी बोलना शुरू किया, और जब तक हमारी क्लासें फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोल के वो गई, फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोली उसने, उसको हमने अवार्ड दिया। वो लड़की जो मदरसा बैकग्राउंड से आई जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी, कुरान शरीफ वर्षा होती है हमारे यहाँ, इतनी शानदार कुरान शरीफ कहीं नहीं होती होगी हिंदुस्तान के अंदर। तकरीबन 3 महीने का कोर्स होता है, जिसको उर्दू तक नहीं आती वो कुरान शरीफ वहाँ पे सीख लेता है, वहाँ यहाँ पे जिसको उर्दू तक नहीं आती है। ये किस्सा बड़ा अच्छा है, एक हिंदू लड़की आ गई वो क्लास अटेंड करने के लिए, जी यून बैंक की वो आई, और उसने देखा वो दूसरे लड़के जो है मुसलमान, वो बड़ी पहन उसमें पहन तमीज सलवार के अंदर थी या कुछ कुर्ता पहनी हुई थी, बड़ी शर्माई उसको वहाँ बैठ के, तो फिर कहती है कि इंसान मेरे लिए मुश्किल नहीं एडजस्ट करना। उन्होंने समझाया मैं थोड़ा इंटरेस्ट किया कुरान शरीफ सीखने में, कहते मुझे सीखना है। खैर 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपना उसने ड्रेस चेंज किया, तभी सलवार पहन के आए, तो हमारी क्लासेस खत्म हुई, फर्स्ट अवार्ड उसी लिए वो लिख रही थी। ये बताते हैं कि सीखना ये सब इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें मैं अचीवमेंट नहीं बता रहा हूँ, हमने ट्रेन किया बच्चों को, हमको स्कूल और कॉलेज की डिग्री नहीं देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं ताकि अपने बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा क्या कर पाएगा जो हमने करके दिखाया उनके लिए, और आज भी थी मुझे पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ये सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। उनके लिए क्लासें बनाई जा रही हैं, उनके लिए ट्रेनिंग कोचिंग के लिए क्लासें बनाई जा रही हैं, ऑडिटोरियम की कैपेसिटी डबल की जा रही है, ये सारे के सारे काम और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होगी जब बिल्डिंग बननी शुरू होगी। लोगों ने कह दिया तोड़ गया, तोड़ा जा रहा है, तो बिल्डिंग को तोड़ा क्यों नहीं जा रहा,
उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाएंगी। ये सब प्लान है मेरा। अगर आप लोग इजाज़त देंगे और आप चाहते हैं कि इसको किया जाए, और अगर ये नहीं सोचा हम लोगों ने इसको गौर नहीं किया, तो सेंटर में जैसे ही अगर इलेक्शन खत्म होता है और फिलहाल का ये टीम आपके साथ जीत के नहीं आती है, इस राजनीतिक प्रेसी के पैनल जीत के नहीं आता है, और सेंटर को अल्लाह मालिक के अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप लोगों से माफ़ कीजिएगा, मैंने आपका काफ़ी वक्त दे दिया, क्योंकि मैं आपसे अपने दिल की बात कर दी। मैंने जितना बोला वो सच है, और जितने लोग आपसे बात करेंगे उससे जो झूठ को बंद नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने बहुत इख्तसार के साथ लेकिन तमाम बातों को सिराज साहब ने गोश गुजार किया आपके, और आप बखूबी वाकिफ हुए होंगे और मजीद हो जाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा हमारे इस्लामिक सेंटर के मेंबर और इस शहर के वाइस चेयरमैन रहे मशहूर शख्सियत मेरे भाई मुख्तार जैदी साहब से कि वो आकर अपनी दो मिनट अपनी बात यहाँ आपके सामने रखें। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, जो दिल्ली से मेहमान आए हैं, जो हमारी इंटायर टीम है जो इलेक्शन लड़ रही है, हम उसको सुनने के लिए बैठे, तो आप मेहरबानी करके उन सारे लोगों को बुलवाइए। मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ तक आपके बुलवाने की बात है, तो मैं खाली बहुत, क्योंकि अगर आप लंबी फहरिस्त है आपके पास, तो मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ मौजूद हैं तो हम पूरी तरह से इस पूरी टीम के साथ हम और हमारे सारे सपोर्ट करें, इसमें कोई लंबी उसकी बात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। मैं तमाम उम्मीदवारों से जो हमारे पैनल के उम्मीदवार हैं और स्टेज पर तशरीफ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि वक्त भी तवील हो जाएगा अगर सबको हम यहाँ बातचीत का मौका देंगे, मैं गुजारिश करूँगा कि वो खड़े होकर तमाम अपने शुरका का और यहाँ मौजूद मेम्बरान का खड़े होकर शुक्रिया अदा कर दें, उनका इस्तकबाल कर दें और अपनी शक्ल उनको दिखा दें ताकि उनको सबको जान सकें। डॉक्टर कमाल अख्तर साहब से गुजारिश है कि वो बूके लाएं और सिराज भाई का इस्तकबाल करें, बूके पेश करें। इसी के साथ साथ मैं साजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी बूके पेश करके डॉक्टर माजिद ताली कोठी साहब का इस्तकबाल करें, और अयास कुरैशी साहब से गुजारिश करें। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम इज्जत मुआब जनाब सियाजुद्दीन कुरैशी साहब, जो के सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं और जिनकी शख्सियत को हर कोई न सिर्फ ये के अलीगढ़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जानता है और हिंदुस्तान से बाहर भी, जो इनकी खिदमत इस्लामिक कल्चर सेंटर की वजह से को बनाने में और जो इनका हाथ रहा है उसके अंदर सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। और पिछली दफा जब इनका इलेक्शन हुआ तो मैंने भी इनका बड़े जोर शोर से इलेक्शन लड़ाया था वहाँ पर इस्लामिक कल्चर सेंटर। मैं ज्यादा ना कहती क्योंकि मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस्लामिक सेंटर बहुत जगह कायम है, कई मुल्कों में इस्लामिक कल्चर सेंटर है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर जिसकी सरपरस्ती जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब कर रहे थे, ऐसा सेंटर जो इन्होंने बनाया है जिसमें सिर्फ ये कि न सिर्फ वहाँ पर सियासी बातें होती हैं, सियासत नहीं बल्कि हमारे जो इस्लाम जो इस्लामी कल्चर है उससे मुताबिक जितनी भी सेमिनार हो, चाहे और गरीब औरतों के लिए काम हो, चाहे औरतों की मदद हो, चाहे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप हो, और चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे किसी तरह की किताबें हो, चाहे मकान में हो, चाहे किसी तरह की
किसी तरह का बैठक होगा, ऐसा हो, इस तरह के प्रोग्राम हमेशा से आप ने किए हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब अलीगढ़ में जैसी जगह में इस तरह का प्रोग्राम जो आज इलेक्शन हो रहा है इस्लामिक कल्चर सेंटर में, उसकी वजह से जो यहाँ पर आप तशरीफ लाए हैं, मैं सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करती हूँ अलीगढ़ की सरजमीन पर जनाब सरदार हुसैन कुरैशी साहब। और मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि आज जो ये कहा गया है कि अलीगढ़ से जो पैगाम उठेगा वो सारे लोग मानेंगे। तो अलीगढ़ में जब आप आए हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके जज्बात को देखते हुए, आपके जज्बात को, आपकी आपने जो अभी बताया कि किस तरह से आपने काम किया था, मुझे तो हैरत है कि इस बार आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे। लेकिन मैं अपने पूरे तारों के साथ आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। इससे बढ़कर और क्या कह सकती हूँ कि अलीगढ़ वो जगह है, ये यहाँ से तो आपका पैगाम उठेगा, वो सारे जितने भी आपके कल्चर से मुताबिक मेम्बरान हैं वो उसको समझेंगे। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, ए अलीगढ़ तुझसे सीखा है ये अपने जिंदगी, ए अलीगढ़ तुझसे सीखा है ये अपने जिंदगी, और क्यों ना हो जाऊँ फिदा तुझ पर तेरी दरवाज पर, क्यों ना हो जाऊँ फिदा तुझ पर तेरी दरवाज पर, और खुराकार सरदार करूंगी तुझको तो काफिर कहेंगे लोग, सरदार करूंगी तुझको तो काफिर कहेंगे लोग। दिल काबा बन गया है तुझे देखने के बाद, दिल काबा बन गया है तुझे देखने के बाद। शुक्रिया। मैं अगले तस्वीर के लिए, जाहिर है कि वक्त की तंगी है हमारे साथ, 15 मुकर्रम भी बहुत हैं और बोलने वाले भी हैं। मैं स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर नवाब हैदर अली खान सर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात सामाईन के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मदर अब्रास साहब ने उठाई। मोहतरम जनाब सदर, खवातीन हजरात, मेरा ताल्लुक इस्लामिक सेंटर से 1990 से काफ़ी पुराना मेंबर हूँ, और बस दो ही बातें कहनी है, कुछ कड़वी भी हो सकती है तो पुराना मानिएगा, क्योंकि सर सैयद ने हमें ये सिखाया इख्तलाफात हमारी बोलना है, और हम स्टूडेंट यूनियन में रहे हैं, सेडन गलत था, उसमें एक दूसरे से हमारे इख्तलाफात रहती हैं, मगर वो बस लिमिट तक। जो आपने हमारे पुराने सदर हैं उन्होंने बेहद काम किया इस्लामिक सेंटर के लिए, नो डाउट आपके तारीफ है। ये बिल्कुल कबूतरों का एक दरबा था, उसको बनाने में सरदार साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, बहुत काम किया, मगर उसे आपने नो डाउट बहुत अच्छा किया, और 20 साल आप रहे तो आपको लोगों ने सराहा और आपको उनकी इज्जत दी, और नो डाउट बहुत अच्छा काम किया। और जो आपके सदर के कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं मानता हूँ ऐसे लोगों को आना चाहिए, डॉक्टर है प्रोफेशनली, ऐसे लोगों को निकल करना चाहिए, हम पॉलिटिकल लोगों से भी बाहर आए, ऐसे लोगों को बनना चाहिए। आपके बहुत अच्छे, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उमदा और बहुत सावगोई के साथ असद साहब ने अपनी बात रखी, और ये करेज और ये हौसला और ये जो जज्बा मिलता है ये अलीगढ़ की खास देन है। चौधरी साहिबा वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी तहे दिल से सवाल करता हूँ इन हजरात का, और मैं इस गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुजारिश करूँगा अपने अजीब साथी और इस्लामिक सेंटर के बहुत ही बाल और बहुत ही तेज सरदार सबा इसरार साहब से कि वो तशरीफ लाएँ और अपनी बात सामने के सामने रखें। और इससे पहले मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो पोडियम पर आए। पहले तालीम से तो बोल दिए जाओगे, फिर किसी
किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे और हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि 11 अगस्त को इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन होने जा रहा है। मेरे दोस्तों, उस इलेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपनी बात कहने का भी और इलेक्शन लड़ने का भी। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस की बात यह है कि मेरे भाई ने भी पूछा कि आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आपके साथ जो लोग थे वो आपको क्यों छोड़ के चले गए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 13 लोगों की कमेटी होती है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसके अंदर से सेक्रेटरी चले जाता है और बहुत सारे से अहदेदार चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब सिराज साहब का वक्त पूरा होने को आया था उनके सर्विस का, तो सब लोगों की ये फाइल थी, उसमें से 12 लोग ये चाहते थे कि मैं भी प्रेसिडेंट लड़ूं और मैं भी प्रेसिडेंट लड़ूं और मैं भी प्रेसिडेंट लड़ूं। तो आप मुझे बता दीजिए, प्रेसिडेंट तो एक ही होता है, चुनाव भी एक ही आदमी का होता है। सिराज साहब ने ऐसा कौन सा गलत काम किया? आज वो तमाम लोग जो सिराज साहब के साथ टीम में थे वो मुख्तलिफ पैनलों के अंदर हैं, वही लोग जो सिराज साहब के साथ पिछले 20 सालों से काम करते चले आ रहे थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सिराज साहब के एक काम को गलत बतला दें। वो ये कह दें कि सिराज कुरैशी ने अगर वहां किसी को चाय नहीं पिलाई है तो वो अपने पैसे से पिलाई है, इस्लामिक कल्चर सेंटर के कोई फंड से चाय नहीं पिलाई। दोस्तों, वो आज भी सिराज कुरैशी साहब जब सेंटर जाते हैं तो दीवारों पे हाथ लगा के देखते हैं कि इस पे धूल तो नहीं जम रही है, फर्श को देखते हैं कि इसके अंदर कहीं गंदगी तो नहीं महसूस हो रही है। उन्होंने इस सेंटर को अपनी औलाद की तरीके से पाला है और इतना लंबा वक्त दिया है। सिराज साहब से भी ऊंचे वक्त से लोग हैं, वह 25 साल के भी हैं, 30 साल से भी लोग हैं, लेकिन उनको सबको इस बात का एतराज था कि सिराज साहब को 20 साल हो गए। दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी बात है कि अगर किसी इंसान के साथ कभी कोई करप्शन का आपने चार्ज लगाया हो, कोई गलत काम किया हो या आपके साथ कोई गलत ओमानी करी हो। अब तो ये हो गई है कि बहुत सारे से लोग सिराज साहब की जात के ऊपर गाली देते हैं, सिराज साहब के नाम से गाली देते हैं, सिराज साहब को सिर्फ इस बात के लिए देते हैं कि सिराज कुरैशी ने हमें प्रेसिडेंट नहीं बनाया। तो दोस्तों, आज वो सिराज साहब एक ऐसे नगीना को लेकर आए हैं, एक ऐसे हीरे को लेकर आए हैं जो जमीन इस्लामी कल्चर सेंटर की बुनियादों को और बड़ा करेगा, उसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा और उसके बाद में उस सेंटर को यानी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जो हमें और आपको ये फख्र होगा। और हम इस बात की तारीफ करते हैं सिराज साहब की और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे इंसान को हमें और आपके सामने लेकर आए हैं जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे तो उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी है और मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप पूरी टीम को वोट दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि एक उधर दे दिया, एक इधर दे दिया। गाड़ी वही चलती है जिसके चारों पहिए एक से होते हैं, कभी वो गाड़ी नहीं चलेगी कि एक में मर्सिडीज का पहिया डाल दो और एक में मारुति का डाल दो। इसलिए सिराज साहब के साथ जो दिक्कतें आई वो सिर्फ यही वजह थी कि वो तमाम लोग अपने अपने मफाद के लिए चले गए, अपने अपने फायदे के लिए चले गए। लेकिन सिराज साहब ने उस सेंटर के अंदर से आज भी उसी मोहब्बत और प्यार के साथ काम करते हैं। आप जाके देखिए, आप जरूर जाइए। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, जो उसमें हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंटर नहीं गए हों, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो तमाम लोग एक बार सेंटर का जरूर जाके देखें। आपको फख्र होगा, आपको ये महसूस होगा कि यकीनन दिल्ली के अंदर एक ऐसी चीज भी है जो यकीनन अपने आप में काबिले तारीफ है। मेरे दोस्तों, आज हमारे और आपके सामने ऐसी ऐसी शख्सियतें बैठी हैं जिसकी मैं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बहुत कम जगहों पर नजर आते हैं, बहुत कम जगहों में देखते हैं। इसमें खालिद मसूद साहब हैं, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर अख्तर कमाल भी हैं जो पहले राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर सर्जन थे, आज वो अलीगढ़ के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैसियत से हैं और बहुत अच्छे हार्ट के डॉक्टर हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी जहीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी बहन नूरी जुबेरी, ये वो लेडीज हैं जो इस तरह के लोगों को अलीगढ़ में बहुत कम नजर आते हैं। किसी का दुख दर्द हो, किसी के साथ परेशानी हो, किसी के हाथ किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, रूही जुबेरी को आप सबसे आगे नजर देखेंगे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ। इसके साथ साथ मेरे भाई नसीम भाई भी हैं, मौजूद हैं, मुख्तार जैदी साहब भी हैं,
और बहुत सारे से लोग हैं, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि सेंटर को बचाने का काम आपका है। दोस्तों ये इलेक्शन जरूर लड़ रहे हैं लेकिन सेंटर आपका है और आपका रहेगा, इसलिए आने वाली 11 तारीख को आप उन लोगों को समझाइए, उन्हें बताइए जो इधर से उधर हो गए हैं, उन तमाम लोगों का पर्दाफाश कीजिए। आप मुझे बताइए, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं, पिछले 10 साल से सरा साहब के साथ बहुत अच्छी तरीके से पोस्ट कर रहे थे, उन्हें मेंबर बनाया था, बाद में नॉमिनेट किया था सरा साहब ने उनको, आज वो हमसे खिलाफ हैं, वो दूसरे पैनल से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ने की कोई ऐसी बात नहीं, सबको हक है, लेकिन आप उनसे पूछिएगा जरूर, ये जानिएगा जरूर, वो आपको जरूर मिलेंगे कि सरा साहब में आकर ऐसी क्या कमी है जो आप सरा साहब को छोड़ के चले गए। दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है, आपको खुद पता है, आप खुद जानते हैं कि ये वो टीम है जिसके हाथों पे इस्लामी कच्चा सेंटर महफूज रह सकता है, इसलिए हमें एक बार फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा और इसी बात के साथ कि चंद रखते हैं लम्हा बंद रखते हैं जबान लम नहीं खोला करते और चंद के सामने तारे नहीं बोला करते। हेलो, मैं गुजारिश करूंगा जनाब भरत खान साहब से, जो जामिया उर्दू जो हमारी कदीमी दर्शगाह है और उसकी एक बड़ी शानदार और तादनाक तारीफ है, उसके ओएसजी की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए हमारी इस दावत को कबूल करते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। अस्सलामुअलैकुम जनाब मोहतरम सिराज कुरैशी साहब, माजी साहब डॉक्टर माजी साहब, खवातीन हजरात, आज इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो बात हो रही है, जब जब इलेक्शन आता है तो हम सभी लोग इसके ऊपर एक चर्चा करते हैं और उसके बाद उतने एक्टिव नहीं रहते जितना रहना चाहिए। इस्लामिक कल्चर सेंटर पहले तो यह है कि इस्लाम एक दीन है, वो कल्चर नहीं, कि इस्लाम में सारे कल्चर मर्ज हो जाते हैं, ये वो कल्चर है या वो दीन है उसका एक ये मरकज है, एक सेंटर बना है जिसे महफूज रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आज इस्लामिक कल्चर सेंटर जो मरकज में है, 20 या 25 साल बहुत बड़ा अर्सा होता है, उसमें हमें कम से कम कुछ सूबों में भी हमारे कल्चर सेंटर होने चाहिए थे और उसकी कमेटी जो थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होनी चाहिए थी, अभी सिर्फ सेंटर तक महदूद है, इसको आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। सिर्फ दरो दीवार को खूबसूरत बना देना या उसमें चंद्र बैठ के मीटिंग करने एक हॉल बना दे उसको कुछ मीटिंग्स हो जाए, ये कल्चर सिर्फ नहीं है। कल्चर हमारा यह है कि हम जहां रहते हैं, जिस मुल्क में हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे कौम के साथ, उनकी दफा कैसे की जाए, उनके बारे में क्या सोचा जाए, उनके बारे में क्या स्ट्रेटजी हो, क्या प्लानिंग हो, ये भी इस्लामिक कल्चर सेंटर की जिम्मेदारी है। अभी उनके ऊपर काफी काम होना है, मैं ये इंतजार करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी अदर जो खड़े हो रहे हैं जहां हैं वो कामयाब हो और ईमानदारी के साथ काम करें ताकि हर सूबे में हमारा सेंटर हो और हमारे रिसोर्सेज किसी एक बड़े आदमी के ऊपर नजर ना हो बल्कि हमारा सेल्फ फाइनेंस सेल्फ रिसोर्स हो ताकि हम अपने इस सेंटर को, इस कल्चर सेंटर्स को, इस्लामिक कल्चर सेंटर्स को आगे बढ़ा सकें और पूरी दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान की तो हम क़यादत करें लेकिन हम अपने को रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो हर सूबे में भी करें, हर स्टेट में करें ताकि हम कामयाब हों और इसको आगे बढ़ाकर ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं
इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा डॉक्टर अतर कमाल साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। उनसे रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर आए। मैं नसीम भाई से गुजारिश करूंगा कि एक मिनट वो भी अपनी सरपरस्ती का ऐलान यहाँ करें। एक शेर सुना दें, कि अब शहर का पता मुझे जंगल बताएगा, अब शहर का पता मुझे जंगल बताएगा, दानिशवरों को रास्ता पागल दिखाएगा, और मेरा लिबास देख कर ये फैसला न कर मैं कौन सा दरख्त हूँ ये कल बताएगा। देखिए निजामत एंकरिंग जो है ये बाकायदा एक फन होता है, और मुझे इस फन से वाकफियत नहीं है। जो भी कमियां या चूक हुई हों उसकी मैं माजरत चाहता हूं। मैं तो मुकर्रर आदमी हूं निजामत से, मैं लेकिन ये सबका इसरार था कि निजामत भी आप ही कर लीजिए, तो निजामत मैंने कर दी और तकरीर इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर होगी। अभी दिल्ली के प्रोग्राम हैं, डॉक्टर नजर अब्बास साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने तकरीर नहीं की तो ये समझ लीजिए कि इस्लामी कल्चर का प्रोग्राम मालूम नहीं हुआ क्या अधिकार में हुआ। मैं नजर अब्बास खवातीन हजरात मौजिज मुमरान अस्सलामु अलैकुम। बहुत सी बातें आपने इस्लामिक सेक्टर के ताल्लुक से सुनी, और मेरा चूंकि ताल्लुक सिराज भाई से और इस्लामिक सेंटर से इतना ज़्यादा रहा है कि वहाँ के रमूज, वहाँ के ऊंच नीच, वहाँ के हालात, वहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में मुझे ये सब मेरी फिंगर टिप्स पे रहती। कौन क्या कर रहा था, कैसा कर रहा था, किसने क्या किया, किसने अच्छा किया, बुरा किया। कोई भी मुजरिम जिसने इस्लामिक सेंटर को डैमेज करने का काम किया वो मेरे सामने मुकाबले पर नहीं आ सकता। मैं नेशनल डिबेट कर सकता हूं कि जिन्होंने सिराज कुरैशी साहब के खिलाफ लामबंदी की, जिन्होंने इस्लामिक सेंटर के इतने बड़े मेहमान के खिलाफ मुकदमेबाजियां की, आपको इल्म हो या ना हो लेकिन दुनियावी लालच ने उनको मुसलमानों की इतनी बड़ी अमानत से खेलने का मौका दिया। दुनिया उनके ऊपर सवार हुई, आपने अपना दिल और कलेजा निकाल के जिस सेंटर के लिए रख दिया था वो गुज़िश्ता 1.5 साल से अदालत के कठघरे में उसकी इज्जत को तार-तार कर रहे हैं ये लोग। क्या सिराज कुरैशी गए थे कोर्ट में? क्या इन्होंने मुकदमा डाला था? कौन गया था कोर्ट में? सबके नाम मालूम है आपको। और आज उन मुजरिमों के साथ कौन लोग खड़े हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। जो आज मिंबर नहीं है उनको कल मिंबर बनना है, हालात कई उनको होना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी अमानत बुजुर्गों का कायम किया हुआ, आप सबका बनाया हुआ वो सेंटर, आज उस पर ऑब्जर्वर किसने बिठाया, किसने मुकदमा कराया? 2 करोड़ रुपया तकरीबन सेंटर का और आपकी मेंबरशिप से गई हुई फीस से वो रकम अदालतों में झोंक दी गई और ऑब्जर्वर की तनख्वाहों में और उसके असिस्टेंट के लिए दे दी गई। ये नुकसान के जिम्मेदार कौन है जो आपका वोट चाहते हैं? और जब क्राइसिस था मैं जानता हूं सिराज साहब के साथ कितनी परेशानियां थी, मैं कदम से कदम मिलाकर इनके साथ खड़ा था और मैं ये देख रहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बहुत बड़ा वकील कर लेते।
आप सोच सकते हैं, हमने मामूली वकील किए, इन्होंने पैसा बहा दिया और मुल्क में क्या नहीं बिकता आप अच्छी तरह जानते हैं। सिराज साहब ने इस्लामिक सेंटर से इश्क किया, मोहब्बत की और अपने बिजनेस को डबो दिया। मैं इनसे पिछले 12 साल से मना करता था कि छोड़ दीजिए इस्लामिक सेंटर, अपने बिजनेस को देख लीजिए, हिंद एग्रो को देख लीजिए, उस 1200 करोड़ के टर्नओवर को देख लीजिए जो नीचे गिरा पाता चला जा रहा है। कोई हिम्मत कर सकता है कि जो अपने रोजगार से खिलवाड़ कर दे और कौम की अमानत को बचाने का काम करे? ये सिराज कुरैशी। खाना चाटने को सबको आता है, खा रहे हैं, चाट रहे हैं, सेंटर की रोटियां तोड़ रहे हैं। सिराज कुरैशी ने कभी चाय भी सेंटर की नहीं पी, अपने पास से पैसे अदा करके चाय पीने का काम किया। ये है ईमानदारी पर एक चिकन। आज सेंटर, मैं आपको बता रहा हूं कि सेंटर नरके में है। जिस वक्त वकील नहीं था, करने के पैसे नहीं थे हम पे कि हम 10-20 लाख रुपए खर्च करके वकील कर लेते, उस वक्त मुल्क के एक नामवर वकील जो इस वक्त उम्मीदवार हैं, वो आके खड़े हो जाते कि मैं फ्री मुकदमा लड़ूंगा और सेंटर को बचाने का काम करूंगा। लेकिन जब हलवा बचने लगा तो आ गए वो विदा करने के, मैं सदर बनूंगा। क्या होती है दुनिया परस्ती? सोचा किसी ने? कोई मदद को नहीं आया। आज मैं आपको फिर बता के जा रहा हूं कि सेंटर नरके में है दुश्मनों के, कुछ पैर आए हैं, कुछ हमले हैं। इस सेंटर को बचाने की जिम्मेदारी एक 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 मेंबर की है। सिराज कुरैशी साहब ने जिस उम्मीदवार को उतारा है, उस उम्मीदवार की पूरी हिस्ट्री देखिए, मालूमात कीजिए। कौम परस्ती, मुल्क परस्ती, गरीबों की मदद, कमजोरों का साथ देना और बोकारो जैसे गरीबों के शहर में जाकर 600 बेड का हॉस्पिटल अपने पैसे से भरा कर खड़ा किया। सिर्फ इसलिए मैं जानता हूं बोकारो के बारे में कि मजदूरों का तबकल हजारों की लाखों की तादाद में। हमें सेंटर को बचाना। आप सब जितने मेंबरान हैं, जितने शुरकाए जलसा हैं, उनसे ये मैं 10 बस्ता गुजारिश करता हूं कि अपना वोट भी दीजिए और अपने मुतालिकीन को कन्विंस करके वोट दिलवाइए और इन जालिमों से सेंटर को बचाने का काम कीजिए। वरना सेंटर नहीं रहेगा, सियासत का वो अड्डा बनेगा कि जिसमें बाल रखने की जगह किसी इज्जतदार आदमी को नहीं मिलेगी। ये जरूर है सोनिया गांधी जी ने सेंटर का इनॉग्रेशन किया। मैं मानता हूं कि हुकूमतों से लड़ाई, बेवजह की लड़ाई कोई मानी नहीं रखती। इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, इश्यूज पर मुखालफतें अपनी जगह होती हैं, वो होनी चाहिए। लेकिन हम ये लंगोट बांध कर मैदान में लड़ने के लिए किसी के खिलाफ कूद जाए बेसबब बेवजह, मैं इस बात के खिलाफ हूं। मैं ये बताऊं कि इंदिरा गांधी ने जमीन लौट की, सोनिया गांधी ने इनॉग्रेशन किया। अगर हम लड़ाई लड़ रहे होते, सिराज साहब लड़ाई लड़ रहे होते तो कैसे इनॉग्रेशन होता? आप सोचिए कि राष्ट्रपति का प्रोग्राम, इन लोगों की हरकतें देखिए जो आज वोट के तलबगार हैं, कि राष्ट्रपति का प्रोग्राम था सेंटर में एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल लेक्चर देना था प्रेसिडेंट को, रामनाथ कोविंद को। वहां पर इतने एप्लीकेशन भेजी, इतने रिप्रेजेंटेशन किए कि उनको आने में यहां पर जरा सी दिक्कत हुई और वो प्रोग्राम वहां ना हुआ। लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि मैं भी ये बात समझ रहा हूं कि ये सब यहां पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने फिर पहली बार इस्लामिक सेंटर का प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन के अंदर हुआ, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने मेमोरियल लेक्चर के शक्ल में किया गया। तो ये सब चीजें हैं आपके सामने, बातें बहुत हैं, गुफ्तगू बहुत है,
बहुत तूलानी हो सकती है। तमाम रात इन लोगों की हरकत और सकरात पर बोल सकता हूँ, मैं इनके बारे में रिसर्च किए हुए हूँ, इसलिए ये मेरे सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो नेशनल लेवल पर डिबेट करें मुझसे, मैं बताऊंगा किसी ने क्या खोया सेंटर के लिए और किसी ने लूटने का काम किया सेंटर से। 2000 मेंबर करा दिए सर, हमारे मेंबरों की तादाद घटवा दी, कोई किसी वजह से अपना सब्सक्रिप्शन जमा नहीं कर पाया तो उसका वोटिंग राइट छीन लिया। अभी 4-5 रोज पहले सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने एक डबल बेंच में रिट फाइल की है कि तमाम मेंबर्स को मौका दिया जाए कि वो अपना ड्यूज क्लियर करें और उनको वोटिंग राइट बहाल किया जाए। ये कोशिश चल रही है, इन्होंने क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं चाहते हैं? ये इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये जानते हैं कि मेंबरों की जितनी ज्यादा तादाद बढ़ेगी उतना ही इनके बाहर निकालने का रास्ता खुलता चला जाएगा। मैं आप सबसे अपनी बात को तमाम करते हुए मैं इस प्रोग्राम के आखिरी मुखर्रिर हमारे सदारत के उम्मीदवार और ऑंको सर्जन ऑंकोलॉजिस्ट नौजवान फ़ान एक्टिव, दिल भी बड़ा है, दिमाग भी बड़ा, सोच भी बड़ी, सिराज साहब का सिलेक्शन, सिराज साहब का नेम बदल तो नहीं हो सकता कोई, ये तो जरा सा मुश्किल काम है, लेकिन सिराज साहब जिसको लाए हैं वो सिराज साहब की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। मैं डॉक्टर माजिद तालिब कोठी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो पोडियम पर तशरीफ लाए और अपनी बात को तमाम सामईन के सामने खुलकर रखें, अपने इरादों का इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दें। मैं चाहता हूं इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूं कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। मेरे भाई, मेरे बहन, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ऑनरेबल मेंबर्स, मैं सर से जो मैंने बहुत सारी बातें जो रखी हैं एज अ जिस्ट, वो मुझे आई सैल्यूट हिज पर्सनैलिटी कि वो सच को सच और झूठ को झूठ, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे नहीं जानते लेकिन बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। जैसे कि मैं अलीगढ़ में पहले अगर आया तो तभी मेरा कोई मकसद, मेरा कीमती वक्त मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे अर्शद भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे यहाँ के सारे डॉक्टर से मिलवाया था, उनसे मीट की थी कैसे हम हेल्थ केयर को डेवलप करें, कैसे इसको ले जाएँ। आशाजिया बहन बैठी हुई हैं, इन्होंने अपने वहाँ जाके एक कैंप लगवाया जहाँ पे वो एरिया में बहुत ज़्यादा कैंसर है और काजी वहाँ ले गया मुझे और वहाँ पे हमने बहुत सारे किया कि क्या क्यों कैंसर हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लोगों की कीमती जानें बच जाए। और जैसे वो ये फाउंडेशन चलाती हैं तो उन्होंने मुझे भी वहाँ से मरीजें भी भेजी कि हम ये करें कैसे करें। मैं कर्नाटका में एक छोटे से गाँव से आता हूँ, वहाँ पे स्कूल नहीं, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करता था। वहां पे सर सैयद अहमद खान साहब नहीं पैदा हुए थे और वहां से मैंने, मेरे माँ बाप चाहते थे कि जैसे सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा कि मेरी कौम को अगर मैं एजुकेशन दूं, उसी तरह मेरे माँ बाप भी उन्हीं की सोच के थे, उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया और साथ में एक जज्बा दिया कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए मैं खड़ा रहूं। आज उस गांव में बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी बन गए हैं और बड़ा नाम भी है। बचपन में मैं जिसको भी देखता था उसको देख के मैं चाहता था कि मैं इसकी तरह बनूं। कभी क्रिकेटर को देखता था, हीरो को देखता था, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, बट
लेकिन मेरे अंदर हमेशा से एक जज्बा था और आप जैसे बुजुर्गों से मैं सुनता था कि डॉक्टर के लिए जन्नत है, तो मैं चाहता था कि दो काम, दुनिया भी हासिल करूं और जन्नत भी हासिल करूं। और बचपन से कभी भी किसी को कोई जरूरत होती तो मैं अपने वालिद साहब को बोल के, हमेशा से एक आदत थी कि मैं हेल्पिंग नेचर रहूं और कुछ मदद कर पाऊं। जैसे मेरे MBBS हुआ तो आप सब डॉक्टर्स भी यहाँ पे काफी सारे हैं, वो जानते हैं कि इंटर्न को सीखना होता है, पर लेकिन मैं क्या करता था, एक तुर्बी जैसे गांव था वहाँ पे काफी गरीब लोग रहते थे, वहाँ पे मैं अपने सीनियर सर को रोज एक एक करके एक सर को ले जाता था, उनसे सीखता था और वहाँ के गरीबों को अपने पैसों से उनका इलाज करता था। फिर वक्त बीता, मैं सर्जन बना, एम्स में आया, कैंसर सर्जन बना, जापान गया, एडवांस कैंसर सर्जन करके मैं इंडिया में आया। और जो मेरा जो जज्बा था, क्योंकि देखिए मैं जब पहली बार ज्वाइन किया पत्रा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे बताया गया कि भाई आपको हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि मुझे जॉब चाहिए था। एम्स में मेरे प्रोफेसर ने कहा कि भाई माजी दवा है ना, यू आर मेड फॉर सर्विस, तुम गो इन टू द, तुम बहुत अच्छा काम करोगे, एम्स की तरह तुम्हें हमारे इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखोगे। तो मैं बत्रा में कर रहा था, तो बाजू में हमदर्द मेडिकल कॉलेज था, आप जानते हैं, वहाँ पे तो वो मेडिकल कॉलेज नहीं था, वहाँ पे जैसे एक छोटा सा यूनानी हॉस्पिटल था। और वहाँ पे तलत साहब थे वहाँ के CEO, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि माफी, मैंने बोला सर मुझे कुछ काम दे दीजिए आप, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। बोले यार गरीब हॉस्पिटल है सर, मैं तो वही चाहता हूँ। और मैंने हमदर्द हॉस्पिटल में हर पहला मेजर सर्जरी मैंने वहां पे किया, कई लोगों के जाने बचाए, पैसे भी नहीं लिए, लेकिन अल्लाह ने मेरी बहुत नाम और इज्जत दिया और बरकत दी। फिर हालात ऐसे आए कि दिल्ली के हर हॉस्पिटल में मुझे बुलाया गया, तो 8-8, 10-10 जगह पे। और मेरी एक आदत थी कि हमेशा मैं लोगों से मिलूं, कुछ करो, तो मेरी शादी हो गई, तो मेरी वाइफ कश्मीर की निकली, तो उनको छोड़ने लाने जाते जाते मैं वहाँ पे कश्मीर में भी, एक फ्लोरेंस हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मैं 15 साल से जाना, इलाज करना, उसके वजह से कश्मीर में भी अल्लाह का शुक्र बहुत बड़ा नाम हुआ। और उसके बाद क्योंकि मेरे माँ बाप रहते थे, मेरे माँ बाप के ऊपर भी उनका ये था, तो वो उनकी उम्र हो रही थी, तो मैं हर 15 दिन में एक बार उनको भी मिलने जाता हूँ। आजकल सहूलतें बहुत हैं और मैं उनको जब भी मिलने जाता था तो गांव का दर्द था, सारे मरीज इकट्ठा होकर रहते थे कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं, और उनको ले जाते थे, कभी फादर का नाम लेके, कभी गांव वालों का नाम लेके, कभी अपने रिश्तेदार बना के, कभी कुछ करके। अल्लाह ने बहुत काम दिया, ख्वाजा बंदे नवाज मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी, वो भी बहुत माशाल्लाह तो जगह फिरदौस जगह थे, वो बहुत ही उन्हें डॉक्टर में जो करना है करो, पेशेंट पैसे नहीं देता था ठीक है करो। तो इस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को, जैसे कि यहाँ पे भी मैं आया था अलीगढ़ में कैंप्स करने के लिए, इस तरह के दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जैसे घाना है, कंबोडिया है, या अपना किर्गिस्तान है, इन जगहों पे भी मैं लोगों के इलाज के लिए, वहाँ का हेल्थ केयर को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे इसके लिए मैं अपने सर्विसेज देता रहा। फिर मुझे एक चीज़ ये लगती थी कि मेरी फॉर्म बहुत नाजुक हालात में है, वो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि जब आप देखते हैं डॉक्टर के पास हर कोई आता है, इंजीनियर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, और क्रिमिनल्स भी आते हैं, और अच्छे अच्छे सियासतदान आते हैं, तो आप जैसे अलीगढ़ के ही, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं बता दूँ, ऐलान कर दूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे यकीन है कम से कम 100 ऐसे परिवार आएंगे यहाँ पे जिनका मैंने इलाज फ्री किया है, जिनके अल्लाह ने मेरे वजह से उनकी जिंदगियाँ बचाई हैं, और इंशाल्लाह। तो ये मुझे फख्र होता है, दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ या हिंदुस्तान के कोने में जाता हूँ, कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे कैंप भी किया, यहाँ के डॉक्टरों को भी प्रमोट किया, यहाँ के मरीजों का भी इलाज किया मैंने, तो इस तरह की मेरी आइडेंटिटी थी। और अल्लाह ताला इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट है उनके साथ मेरे रिश्ते अच्छे होते रहे, और जो गवर्नमेंट में नहीं आजकल अपोजिशन में, उनसे भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे होते रहे।
लेकिन काम गवर्नमेंट से होता है तो एक डायलॉग होता है, कभी कभी कुछ मसले होते हैं, तो मैं मसले मसाइल के लिए मैं उनके पास ताकि एक होता है लोग आके देखते हो ये साहब तो बहुत अच्छे हैं, प्लीज इनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें यहाँ का डीसी बना दे, यहाँ पे हमें एक पोस्टिंग अच्छी करा दे, ये जो है बच्चे फिर आते थे कि जामिया में एडमिशन करा दो, हमदर्द में एडमिशन करा दो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दो, तो इस तरह से क्या होता है वे आदमी बोलते चलो एक फोन करने में क्या जाता है, चलो फोन कर ही लेते हैं, पर लोग उसके गलत मतलब भी निकालते हैं। मैं अलीगढ़ में रह के सिर्फ इतना कहूँगा जो लोग मुझे समझ नहीं पाते उनके तो बस कहूँगा अच्छे ने अच्छा समझा मुझे, बुरे ने बुरा समझा मुझे, अच्छे ने अच्छा समझा मुझे, बुरे ने बुरा समझा मुझे, जिसको जितनी जरूरत थी बस उतना पहचाना मुझे। इस तरह से मैं लोग मुझे कहने लगे, हर कोई मुझे अडॉप्ट करने लगा, और यहाँ पे आप मेरे से पहले भी मेरे जो भाई जो इलेक्शन में खड़े हैं उन्होंने भी आके बोला कि भाई देखो मैं अलीगढ़ आता जाता रहा, कैंप्स किया, यहाँ पे मरीजों का इलाज किया फ्री, मैंने कहा इसलिए क्या बताओ क्या मैंने मेरे वजह से किसी का यहाँ पे आके मैंने किसी के घर को कब्जा किया, क्या मैंने किसी के ये किया, भाई मेरा तो काम है देना, अल्लाह का शुक्र है मैं देते आया हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं देता रहूंगा। इसके बाद एक ऐसा एरा आया, अल्लाह ऐसा एरा कभी ना दे, कोविड के दिन थे, बहुत सारे मेरे बुजुर्ग मेरे भाई बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो बेवजह बेइज्जत घर में बैठे बैठे वो लाशों के ढेर बन गए, तो मुझे लगा कि जो जो जरूरत है आज की डेट में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स की जरूरत थी, तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पे जो है हेल्थ वीक है, जहाँ पे जो है ये तो अरशद साहब यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले गए और दिखाया कि भाई मेरा गांव है बोकारो और यहाँ पे जो है हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है, और यहाँ पे उन्होंने बोला कि 200 किलोमीटर पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे 200 किलोमीटर पे बिहार है, यहाँ से 200 किलोमीटर पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे छोटपना है ना उड़ीसा है, यहाँ पे ये जो गाँव में हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही कमजोर है, और कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा यहाँ के टेस्ट भी रिपोर्टेड नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि भाई चलो कुछ अच्छा करें, अल्लाह ने जज्बा दिया, कुछ था नहीं मेरे पास, बट अल्लाह ने दी, कई मरीजों ने हेल्प की, बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, बैंक ने मुझे 150 करोड़ का लोन दिया, मैं वहां पे गया और वहां पे कुछ जैसे यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं आप जैसे उनसे सामने जाके बोला कि देखो यहाँ का मैं रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ से मुझे कोई लेना देना ना मेरी बीवी ना बच्चे यहाँ की ये करेंगे, बस मैं आपके लिए आपकी जान बचाने के लिए आपके जान की हिफाजत करने के लिए मैं आपको हेल्प देने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ खड़े हो गए? वो कोविड के टाइम पे 10 लोग खड़े हो गए, बोले का इतना पैसा आपको दे रहे हैं क्या? फिर मैंने उनसे वादा किया आपको ये पैसा आपको जरूर मिलेगा, मैं आपको 100 बेड का हॉस्पिटल बना के दूंगा, आप उससे प्रॉफिट करेंगे। लेकिन आज मैंने उनको 600 बेड का हॉस्पिटल दिया क्योंकि मेरी नेक नियति थी, जिन्होंने 100 बेड के लिए इन्वेस्ट किया आज मैंने उनको 600 बेड का हॉस्पिटल दिया क्योंकि मैं एक डॉक्टर था, मुझे पता था कि कैसे हॉस्पिटल बनाना है, कैसे मशीनें जो महंगी महंगी मार्केट में बिच रही अच्छे से अच्छी मशीन एक डॉक्टर के नाम पे उन्होंने आधे दाम में दी थी, जो हॉस्पिटल 600 करोड़ का बना था उसको मैंने आधे दाम में बनाया, और आज आप लोगों की दुआ से ट्रायल रन चल रहा है, वहां पर मुझे उम्मीद है दुनिया से इस खाली हाथ जाऊंगा, लेकिन मैं ये नेकियां ये जो है मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उनके दुआएं मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और ये याद रहेगा इंशाल्लाह। मैं सर सैयद अहमद खान साहब नहीं बन सकता हूं, लेकिन मैं उनके कदमों के तले चल के मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मैं भी वो उनकी तरह मैं अपना हक अदा करके जाऊं। और फिर उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि मेरे वालिद साहब एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि डॉक्टर माजिद क्या है कैसे हैं, उसका एक इनॉग्रेशन था, उस टाइम पे सिराज साहब वहाँ पे आए थे, मैं भी बिजी रहता हूँ, सिराज साहब से मेरी पहली मुलाकात उनके थ्रू हुई थी, फिर मेरी अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ, और उन्होंने मैं भी चाहता था कि मैं उनकी तरह नरम दिल नेक इंसान, मैं ये वही सिराज साहब हैं जिनका बैंक बैलेंस आप सब जानते हैं क्या होता है, उनके हैंडसम के लोग आज भी माशाल्लाह वो बहुत हैंडसम है, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी थी देने वाली, आप सब जानते हैं उन्होंने अपना पूरे जिंदगी के 20 साल आप लोगों के लिए
कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए अपने बिजनेस को चौपट किया, अपनी जवानी को खत्म किया सिर्फ इस इंडिया इस्लामिक कल्चर के तो, और आज वो उसके एक ब्यूटी की तरह, जैसे मेरा मेरे जैसा एक नाजीज इंसान, वो चाहते तो अपने बेटे को भी बना सकते थे, वो चाहते तो कोई सियासतदान को ला सकते थे, वो चाहते तो किसी को भी लाते थे, पता नहीं अल्लाह ने उनको और उनके साथ कई मेम्बरों को क्या उनके दिल में डाला कि डॉक्टर माजिद इस पोस्ट के लिए सही है, शायद वो इस चीज के लिए ठीक कर सकते हैं। मैं नहीं जानता और मेरे पास वो वक्त नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं मेरी जिंदगी खिदमत से शुरू होती है और मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा खिदमत का, जहां मैं चंद लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आज मुझे कौम की सरपरस्ती, आप लोगों की सरपरस्ती के साथ, आपके गाइडेंस के साथ, और मुझे अगर एक मौका मिलेगा पूरे कौम की खिदमत करने का, एक आवाज बनने का, तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मेरे लिए एक मौका है। करने वाली जात अल्लाह की है, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन अल्लाह आप लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डालेगा और उससे खादिम की तरह काम लेगा, और इंशाअल्लाह हो सकता है कि ये काम से शायद मुझे भी जन्नत नसीब हो। मैं उस नियत से और खिदमत की नियत से मैं आपके सामने आया हूं। मैं जानता हूं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो मेम्बरान है माशाल्लाह, अल्लाह वो सब आपकी तरह अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप में एक, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो हमारे दिल में जो हुजरत असरसल ने कहा था कि अगर आप लोगों में फूट होगी वो कौम बर्बाद होगी, मैं चाहता हूं कि हम दोनों इस तरह से जुड़े रहे, हमारी कौम उसके अंदर इतनी मोहब्बत रहे कि कोई उनको अलग ना कर सके, और मैं चाहता हूं कि कौम के अंदर अगर किसी को भी तकलीफ हो, किसी को भी कोई परेशानी हो, किसी का भी कोई मसला हो, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेम्बरान को उसका दर्द महसूस हो, जैसे मेरे हाथ में कांटा चुभता है तो मेरा शरीर सो नहीं पाता है, वैसे अगर हमारे मेम्बरान में से, हमारे कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में किसी को भी कोई तकलीफ हो तो हमें वो ऐसा मजबूत जोड़ा हो, हम उनके साथ तन मन धन के साथ हम खड़े रहे, एक दूसरे का सहारा बने। मैं चाहता हूं कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बने, और जो आज हम लोगों में आपस में जो हम लोगों ने क्या किया, ना तेरा ना मेरा करके उन्होंने क्या किया कि पूरे सेंटर को, क्योंकि देखिए हर एक इसके अपने रूल्स होते हैं, बायलॉज होते हैं, अगर कोई परेशानी थी सिराज साहब से ही परेशानी थी या किसी से भी, तो हमें कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, हमें एजीएम में जाना था, आपको भी पैसे, उसने बोला ऑब्जर्व होने के, आप भी पैसे लेके केस लड़ो, आपका जमीर गवारा नहीं किया, आपने पैसा नहीं लिया, और आपने सेंटर के 2 करोड़ रुपया आपने इस्तेमाल किए, और हम जैसे मेंबर्स को, मेरा जब ये इस तरह के हालात थे जब इस बार इलेक्शन हुआ तो मैंने बोला खुदा मैं इस तरह इसका मेंबर नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिला बोला या अल्लाह मैं इसको सुधार के रहूंगा, ये सेंटर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, और कौम की सरपरस्ती के लिए रहेगा, मैं इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा वक्त देना पड़े, मैं इसके लिए मैं दूंगा। और जो इंडिया इस्लामिक सेंटर के जो मेंबर्स हैं, मैं उनके लिए, मैं जानता हूं कि 1.5 साल से हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां वहां पे हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे मेंबर्स के लिए उनकी जो एक जो वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, वो पर्ल्स हैं, मैं उनके लिए चाहूँगा कि वो मेंबर्स जो 2000-4000 से लोगों ने बदमाशी की या जो भी किया हो, क्योंकि बायलॉज में कहीं नहीं लिखा है कि वो पैसा नहीं जमा करेगा तो वो टिकट नहीं छीना जाता। अब बताइए हिंदुस्तान में इतने इलेक्शंस होते हैं, क्या कोई उसमें वैसा होता है कि मैं पैसा मुझे वोट छीनने का दिया जाएगा? आज हम पे हमारे साथ हम लोगों को दरकिनारा किया गया है, हमारी कौम को, या क्योंकि हम क्या है, देखिए भाई मैं कहूँगा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हुजरत असरसल ने भी कहा था कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के आप हो और उसके साथ आपको चलना है। तो एक बात बताइए मेरी क्या गलती है कि मुझे दरकिनारा किया जाता है, क्या गलती है मेरी कौम की कि उनको साइडलाइन किया जाता है, क्या गलती है मेरे अपनों की उनके लिए, उनके हक, उनके आइडेंटिटी, उनके सिक्योरिटी, उनकी इक्वालिटी पे क्यों ये बात आ रही है? तो मैं जब जाके किसी से डायलॉग करना चाहता हूँ, मैं जाके मैं बात रखना चाहता हूँ, देखिए मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप भी हिंदुस्तानी हो, आपका भी उतना ही हक है
कितना मेरा हक है, फिर मेरे साथ ये क्यों ये किया जा रहा है, मेरे साथ ये मुझे थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह क्यों। इस हक के लिए मैं चाहता हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से आवाज़ मिले। मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार थी है या रहेगी उसके साथ मैं डायलॉग करूँ, मैं कोई भीख ना मांगू, बल्कि मैं उनके साथ चाहूंगा कि मेरे साथ भी इंसाफ हो, और उसके लिए हम उनके साथ हथियार नहीं उठाएंगे बल्कि हम उनसे बातचीत करके अपना हक एक डायलॉग से एक ब्रिज की तरह हम चाहता हूँ। क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो मेमोरान हैं, उनके जो परेशानियाँ हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात अब जो देखिए इसमें से अभी मेरे भाई ने कहा इनमें से कई लोग अभी नए मेम्बरान भी बन सकते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो फेयर हो, जो हमारे मेंबर्स वहाँ पे जाए उनके लिए रेस्टोरेंट अच्छा हो, उनके लिए नमाज तो पढ़ने के लिए और उसको वसील किया जाए, जो रिनोवेशन की जरूरत है हम उसको करें, सेंटर को हम लोग चाहते हैं कि वो यस गॉड जो विस्तार करना है उसको तोड़ेंगे नहीं, जो है उसको अच्छी तरह से जो जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करें, रिनोवेट करें और उसको हम लोग विस्तार करें। और जो मेंबर्स के जो बहुत सारे बहुत ज़्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ, मन तो नहीं चाहता कि मैं आपसे गुफ्तगू, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है, बट मैं जानता हूँ कि वक्त ये बहुत ही प्रेशियस होता है, क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि जो आपने जो अपना कीमती वक्त आपने लेके जो मेरे सामने आके आप बैठे हो, मुझे आप ब्लेस कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है अगर दुनिया में अगर सबसे अच्छा गिफ्ट अगर कोई चीज़ है वो वक्त है, और आपने मुझे वो वक्त दिया। आई एम वेरी ऑनर्ड, आई फील ऑब्लाइज्ड, मेरा आप लोगों का मेरे पे एहसान है। मैं चाहूँगा कि आप एक और एहसान करें, जो मेरी टीम यहाँ पे है, यहाँ पे जिसके सरपरस्त सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं और कलीमुल हफीज साहब हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये बहुत एजुकेशन में काम किए हैं और कर रहे हैं, कई गरीब बच्चों को ये कर रहे हैं, और हाफिज मतलूब करीम साहब है जो अभी भी हज करके आए, माशाल्लाह बहुत नेक इंसान है और बहुत आँख मूंछ के अपने हाथ मूंछ के पता नहीं चलता किसी को कि वो क्या कर रहे हैं। जमशेद जैदी साहब हैं, एम ए इब्राहिम साहब है जो पहले चीफ सेक्रेटरी रहे थे, मोहम्मद इरशाद अहमद साहब है आपके अपने जो है, मोहम्मद यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब है, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं यहाँ पे, सरताज भाई हैं हमारे जी, और माशाल्लाह हमारे सरपरस्त सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, और आरिफ हुसैन साहब हैं यहाँ पे, मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब हैं, मोहम्मद सलमान वारिस साहब हैं, समद कुरैशी साहब हैं। मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहूँगा जो तोहमत लगाते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे कलीमुल हफीज साहब हैं, अगर ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए ये एआईएम से ताल्लुक रखते हैं, अगर इसमें देखा जाए हमारे भाई जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, या हिदायतुल्ला साहब देखिए कांग्रेस से, लोग क्यों यहाँ पे, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर हमारा अपना घर है, यहाँ पे क्यों आप पॉलिटिक्स को ला रहे हो, ये अपना घर है, इसको मुझे हम लोगों को अपनी हिफाजत कर इसकी हिफाजत करना है। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी दूं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस के लिए कोई जगह नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के और कम्युनिटी के जो उसका दर्द रखते हैं, जिनको दूसरे मेंबर्स का दर्द का एहसास होगा, उन्हीं का जो आइडियोलॉजी हमारी है वो इस्लाम हमारी आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तानी हमारी आइडियोलॉजी है, और हमारी जो आइडियोलॉजी जो है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की वही आइडियोलॉजी यहाँ पे रहे, कोई पॉलिटिशियन इस पर कब्जा नहीं कर सकता, कोई अपना हक नहीं जता सकता, अगर कोई हक जता सकता है तो इंडिया इस्लामिक सेंटर के मेंबर जता कर सकते हैं, इसका मैं आपको वादा और गारंटी मैं आपको देता हूँ। प्लीज आप अपने हाथ अपनी दुआएं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है अगर आप लोगों ने हमें ब्लेस किया, दुआएं दी, तो इंशाल्लाह ये खादिम और ये पूरी टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर माजिद साहब की शानदार तकरीर, इनके ख्यालात और जो फ्यूचर प्लान, उनके जज्बात हैं, एहसास हैं, उनकी सोच है, वो बहुत वसी है, बड़ी है, बहुत उमदा तकरीर की। मिर्ज़ा गालिब के इस शेर से मैं इनकी तकरीर की तारीफ करूँ या अपने ख्याल का इजहार करूं कि देखिए तहरीर की लज्जत के उसने जो कहा। शेर को ध्यान से सुनिएगा, मिर्ज़ा गालिब ने अजीब शेर कह दिया मुकर्ररों के लिए कि देखिए तहरीर की लज्जत के उसने जो कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। अब मैं डॉक्टर माजिद साहब के हम साथ ही
इनको इंट्रोड्यूस कराने में जिनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, हमारे सीनियर लीग हैं, मेरे वक्त में यहाँ जेर तालीम थे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा डॉक्टर अरशद इकबाल साहब से कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनसीआर हार्ट एंड किडनी रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ के, कि वो तशरीफ लाएं और दो मिनट में अपना और माजिद साहब का ताल्लुक पेश करें। जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, जनाब डॉक्टर माजिद अहमद ताजिकोटी साहब, कलीमुल हफीज साहब, जितने भी पैनल के लोग हैं, अरशाद भाई, डॉक्टर एम इब्राहिम साहब और मौजूद हजरा, कोटी सर के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आसमां से बढ़कर जिस आदमी का हौसला हो वो झुका सकता है धरती पर कोई भी आसमान। डॉक्टर माजिद अहमद ताजिकोटी से मेरी मुलाकात बत्रा अस्पताल में हुई थी, एज ए जनरल मैनेजर मैं वहाँ था, तो उनको कैंप में लेके जाता था सभी जगह, फिर रामा मेडिकल कॉलेज आया और बत्रा अस्पताल से चूँकि काफ़ी करीब था इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर, तो अलीगढ़ से मुझे बहुत मोहब्बत है, सब लोगों को मालूम है जितने हमारे सीनियर से और लीग हैं, हर जगह जहाँ अपॉइंटमेंट्स होता है और जहाँ लोगों को रखा जाता है तो पहले अलीग को ही मैं प्रीफर करता हूँ, और बाद में मुसलमान लोग तो रहते ही हैं अलहमदिल्ला, बाद में हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अलीग बाय बार हमारे आए। तो मैं इंडियन इस्लामिक कल्चर में बराबर जाता था, वहाँ पर टॉप भी करवाता था, सीएमई भी करवाता था, और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का दिल इतना वसी है कि उन्होंने बहुत सारे कैंप्स भी करवाने का मुझे मौका दिया, लोगों को बहुत फैस पहुँचता था वहाँ पर, तो डॉक्टर माजिद ताजिकोटी सर को भी लेके जाते थे। जब वहाँ से हम लोग निकले रामा मेडिकल कॉलेज आए तो सर को रिक्वेस्ट किया, सर रामा मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद आ जाइए, नया नया मेडिकल कॉलेज खुला है तो वहाँ आ गए हैं, वो बिल्कुल गाँव देहात में, और अल्लाह के फजल करम से कम मैं समझता हूँ कि 1000 से ज़्यादा कैंसर सर्जरी किया, और ज़्यादातर गरीब लोगों का सर्जरी किया उन्होंने, जो सर्जरी दिल्ली में 500,000 में भी किया जाता है वो 50,000 में, 75,000 में, 1,00,000 में, 1.5 लाख रुपये में किया है, अब इससे बड़ा फैज वो और कहाँ पहुँचाएंगे। फिर मैं सुभारती मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ 3 साल रहा, वहाँ ज़्यादा नहीं 75 सर्जरी किया है उन्होंने, लेकिन वहाँ भी काफ़ी अच्छा रुतबा उपलब्ध हुआ इनका। फिर वालिद साहब हमारे जिंदा थे, महेंद्र सिंह धोनी को लाने वाले वही थे अपने टीम में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, तो रघुवर दास उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे झारखंड स्टेट के, तो मोमेंटम झारखंड चल रहा था वहाँ पर मुंबई में। अब मैं बोला कि भाई कोई मुसलमान किसको पकड़े अल्लाह ताला, कि कम से कम मुसलमानों के लिए कोई अस्पताल बना दें, इतना सस्ता में ज़मीन मिल रहा है, हम लोगों को अपना औकात तो था नहीं। अब डॉक्टर माजिद अहमद ताजिकोटी सर के अंदर में जज्बा मैंने देखा था, तो उनको बहुत मोटिवेट करके पूरी टीम को इकट्ठा मैंने किया, डॉक्टर माजिद अहमद ताजिकोटी, वहाँ की विधायक बिरंची नारायण जी को, राजस जी इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी है, डॉक्टर उमा किशोर को, 4-5 आदमी, डॉक्टर माजिद ताजिकोटी सर ने ऐसी जगह अस्पताल को कायम किया जहाँ वाकई में अस्पताल की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाने वाले सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का सिलेक्शन गलत नहीं हो सकता है, पता है ना, आने वाले दिन में आपको इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए मेडिकल कॉलेज मुसलमानों के लिए मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर माजिद अहमद ताजिकोटी वो शख्सियत है जिसको मैंने बहुत करीब से 12 साल, लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते, क्योंकि इनके स्पीच से, इनके काम से और इनके वर्क से लोग मुतासर और इतना मुतासर है कि इनको हर जगह मंच में बुलाते हैं और इनके बात को तवज्जो देते हैं। आप देखिए तो अब उसको गलत लहजे में लोग लेकर के जाएं वो तो गलत सोच है ना, इट डिपेंड अबाउट, फिजिक्स में हम लोग रेफरेंस फ्रेम पढ़ते थे ना, इट डिपेंड अबाउट द रेफरेंस फ्रेम। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं कुछ और देख रहा हूँ और उस तरफ जो खड़ा है वो कुछ और देख रहा है, वो तो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलने का मतलब यही है कि डॉक्टर माजिद अहमद ताजिकोटी के साथ जो भी टीम आई है, चाहे वो कलीमुल हफीज साहब हो, इरशाद भाई का भी किरदार बहुत बड़ा किरदार है, और अल्हम्दुलिल्लाह सिराज कुरैशी साहब तो अपने में उनका मुकाम अलग है। तो इस बात के शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहाँ हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद जय भारत। हेल्थ में
सारे हॉस्पिटल्स तो हैं, लेकिन एक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो है हमारा, उसका भी एक इंडिया इस्लामिक ग्लोबल हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें जो है हर गरीब हिंदुस्तानी मुस्लिम के लिए कुछ ये होना चाहिए। सोच रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो देखो, जब अल्लाह कुछ करना चाहता है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे मैं इस बार का वो हॉस्पिटल का बोला तो हो सकता है कि इंशाल्लाह उस तरह, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो गरीब मेंबर्स के लिए तो होगा ही होगा, और कोई गरीबों के लिए, क्योंकि होता क्या है देखो, कोई भी चीज़ 100 रुपये की वो 10 रुपये में भी हो सकती है, जैसे कि डायलिसिस। बस मकसद ये रहेगा कि जो हमारी कौम के जो कीमती जिंदगी है वो वहाँ पर बच जाए। शेर के साथ के नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चराग हैं, इन्हें नफरतों की हवा है। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इंडिया इस्लामिक सेंटर के मेमार जगह ताजमहल, जामा मस्जिद, लाल किला, मुगल बादशाह की देन है, तो आज़ादी के बाद दिल्ली की सरजमीन पर अगर इस पाई की कोई इमारत का मेमार है तो वो सिराजुद्दीन कुरैशी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इजहार तशक्कुर के लिए तशरीफ लाए। उसी ऐसे से मैं काम करूँगा, मेरी टीम पूरी पूरी जो है
को लेकर आया हूँ। मेरा बेटा भी इसके अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर मेरे से बढ़ेगा इस बार। आप सब दरखास्त है पूरी टीम को इस तरह भेजिए ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ सके काम। और ये आज याद रखिएगा अगर हम अपने 5 साल के अंदर उनके साथ 2 साल के अंदर ही इसका नक्शा बनाते बदलाव इंशाल्लाह देखेंगे। आपके टावर से टावर के लिए दरखास्त है, आपकी दुआओं की दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सदारती कलमात के लिए मैं मदद करूंगा हमारे अलीगढ़ शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत, मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर और कौम मिल्लत के लिए साहिबान की हैसियत रखने वाले जनाब हाजी जहीर साहब। मेरी गुजारिश है कि वो सदारती कलमात अदा करें। भाई मैं तो कभी दी नहीं है भाई, और ये भाई हमारे खड़े हुए ही। भाई मैं ये चाहूँगा सभी लोग जिसको बेहतर बढ़िया समझें, अच्छा समझें, तो भाई इन्हें वोट दीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और जो कहा है भाई 100% पूरे उतरेंगे अपने बात। आज का मुलाजम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अलीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी मेरा चमन है और मैं इस चमन का बुलबुल हूं। आज मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इलेक्शन का दावेदार हूं। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया था। अलीगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया और इंडिया और ये बताया कि मैं खिदमात को अंजाम दे सकूँ, इसलिए मैं सराज कौशी साहब के साथ जो उनका सेकेंड विज़न है इसका कंस्ट्रक्शन, इसका एक्सपेंशन, उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा और उनके कदम से कदम मिलाकर मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। मेरी अपील है तमाम अलीगढ़ के उन मेंबरान से जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लाइफ मेंबर हैं, वोटर हैं, उनसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है, मौदवाना दरख्वास्त है कि वो हमारे पैनल सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल को वोट देकर कामयाब बनाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रेशमा परवीन अलीगढ़ से। आज जो प्रोग्राम हुआ है मैं आप लोगों से अपील करती हूँ सिराज कुरैशी साहब को, डॉक्टर सिराज कुरैशी साहब को और आरिफ भाई आरिफ हुसैन साहब को अपना वोट देके उनको कामयाब बनाए। इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, मेरी वो से गुजारिश है कि उनके हक में वोट दें। जी मेरा नाम सलीम सफदर खान है और मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि सिराजुद्दीन साहब कुरैशी साहब को आप लोग सपोर्ट करें और गलत लोगों से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बचाइए, क्योंकि बहुत से लोग एक वकील के सहारे ब्लैक से वाइट होना चाहते हैं और जो दलाल किस्म के जो लोग हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं उसे आपको बचाना है। और जो लोग गलत बातें कर रहे हैं, कोई भी इदारा, कोई भी चीज़ मरकज़ सरकार के बगैर तालमेल से नहीं चल सकती, इसलिए लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप लोग जो हैं वोट जो है एक जगह वोट डालें और तब वोट करें। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, इंडिया इस्लामिक सेंटर का जो पैनल है सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, उस सब लोगों को सपोर्ट करें। अंदर हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी तादाद के अंदर माशाल्लाह से लोगों ने शिरकत की है और तमाम एकजुट होकर ऐसा महसूस होता है कि ये तमाम लोग सिराज कुरैशी और उनके पैनल के साथ हैं और मुकम्मल तौर पे हैं और बहुत ज़िम्मेदार लोग आए हैं। वो लोग आए हैं जो मैं कभी कहीं महफिलों में या शादी ब्याहों में भी उन्हें नहीं देखता और अपने आप में जो भी आया वो एक शख्सियत है। शख्स कम होते हैं, शख्सियत बहुत मुश्किल से होती है और काफ़ी लोग आए हैं और इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई है हम लोगों की और हमें बड़ी खुशी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर सिराज साहब और उनका पैनल जो है बहुत अच्छी तादाद के अंदर जीतेगा। और लोगों ने जिस तरीके से खुलूस के साथ और मोहब्बत के साथ लोगों ने सिराज साहब का सपोर्ट किया है
वो यकीनन काबिल तारीफ है और मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बोलिए आप। अदर साहब अस्सलाम वालेकुम। बस सभी से ये गुजारिश है कि तालकोटी साहब को जो है इस बार जो है सदारत से नवाजें और इनके लिए सारी मतलब टीम हमारी लीग और अमरोहा के लोग जो हैं बहुत डेडिकेटेड हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि खुशखबरी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने भाई के लिए सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के लिए और अपने भाई डॉक्टर माजिद साहब के लिए और तमाम पैनल जितने भी हैं उन सब के लिए पहले तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे नेक सोच के और अच्छी सोच के लोगों को अल्लाह कामयाब करे और खिदमत खल्क का मौका दे। मेरी दुआएं और मेरी ब्लेसिंग इन लोगों के साथ है और कोशिश करूँगी कि आखिरी लम्हात तक इन लोगों का साथ दूँ। मैं रज़िया ख़ान अलीगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अथहर कमाल अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं तहे दिल से सिराज कुरैशी साहब और माजिद साहब के साथ खड़ा हूँ और दुआ करता हूँ कि इनकी पूरी टीम को जिताया जाए अच्छे से ताकि ये मुल्क के और हमारी कौम की खिदमत अच्छे से कर सकें। शुक्रिया। जी जी आप भी। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं ये आप सारे अलीगढ़ के मेम्बरान से गुजारिश करूँगा कि आप सिराज कुरैशी और अब्दुल माजिद तालीकोटी के पैनल को सारे वोट देकर जिताएं क्योंकि इसी में कौम की फलाह है। जी आइए आप बोल दीजिए कुछ तो बोल दीजिए। ये बोलो। आइए 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 बोल दीजिए। डॉक्टर साहब बोलेंगे। डॉक्टर साहब भी बोलेंगे आप भी बोलिए। चलिए आप बोलेंगे तो वो भी आ जाएंगे। जी बोलिए आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदीम कुरैशी अलीगढ़ से। आज जो ये प्रोग्राम हुआ सिराज कुरैशी की सदारत में ये वो टीम है जिसने इस इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए अपना सब कुछ जुटा दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया और सभी से गुजारिश ये है जो भी मेम्बरान है कि इनको पूरी तरह से लेकर आएँ और इस्लामिक कल्चर सेंटर जो हमारी तारीखी इमारत है और हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा इमारत है जो कि मुश्किल से नज़र आता है उसके लिए उसको बचाने के लिए उसकी दफा के लिए सिराज कुरैशी की टीम सबको वोट देकर जिताएँ। अल्लाह हाफिज़। नाम तो बता दें। अब्दुल वाहिद को हो। दो ऐसे पैनल हैं, एक ऐसा पैनल है जो जो मीटिंग रखी गई है आपको मालूम है उसके बारे में कुछ बताएं। और जो है ये मीटिंग इसलिए रखी गई कि अलीगढ़ जो है वो दानिशमंदों का मरकज़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से जो पैगाम यहाँ से निकलता है वो पूरी दुनिया में जाता है। तो मैं समझता था कि मेरे ख़्याल से अलीगढ़ जो है वो एक अहम मीटिंग होनी ज़रूरी है ताकि इस्लामिक सेंटर के नशेब व फराज और हालात हाजरा से तमाम दुनिया में जो लोग मौजूद हैं जगह जगह मुल्कों में हैं उन तक तमाम चीज़ें पहुंच जाएं। इसलिए अलीगढ़ में इस मीटिंग का होना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़्यादा वोट नहीं है कि यहाँ 100-150 वोट हों, बहुत थोड़े वोट हैं, 60-65 वोट हैं वोटिंग राइट छीनने के बाद। अगर वोटिंग राइट नहीं छीनता तो तकरीबन 90-95 वोट होते। तो लेकिन असल चीज़ है पैगाम देना। वोटों की गिनती कोई हैसियत नहीं रखती है। ये देखा जाता है कि एक आदमी है तो वो इतनी बड़ी हैसियत रखता है कि वो अपने पैगाम को तमाम दुनिया में फैला दे। तो अलीगढ़ बहैसियत नर्व सेंटर इस्लामिक सेंटर के ताल्लुक से जो पैगाम आज इस मीटिंग से निकला है वो तमाम दुनिया में फैलेगा और लोग हकीकतों से आगाह होंगे इंशाअल्लाह। मेम्बरान के अलावा भी काफ़ी लोग यहाँ पे आए शिरकत से। वो बहुत यूँ ज़रूरी थे कि अलीगढ़ पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। मेम्बरान के अलावा जो लोग आए यहाँ पर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लोग, टीचिंग स्टाफ के लोग, नॉन टीचिंग के हजरात आए, वो आए वेलकम, हमने खुश आमदीद कहा। दरवाज़े हमने किसी के लिए बंद नहीं किए थे और ना दावतनामे भेजे थे। लोग खुद ब खुद चलकर अपनी मोहब्बतों में आए, अपनी उल्फतों में आए और उनके कानों में जब ये हकीकतों का सीसा पहुंचा है तो अब ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच के रहेगा। माजिद साहब के लिए कोई शेर
माजी साहब तो खुद ही इस वक्त शेर बने हुए हैं, उनको अब शेर की मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और मैं समझता हूं कि इस्लामिक सेंटर को ऐसे ही हमदर्द की ज़रूरत है। दिखावे के दांत नहीं चाहिए, हमें वो आदमी चाहिए कि जो वहाँ जज्बे के साथ काम कर सके, वो डॉक्टर माजिद के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का प्रोग्राम इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों की दुआएं हैं कि सराज कुरैशी साहब के पैनल में डॉक्टर माजिद ताली कोटी साहब जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और पूरे पैनल के लोग जीते और उन्हीं को वोट दिया जाए। मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें बड़ी तादाद में मेम्बर भी थे और बहुत सारे लोग इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तज़ीम में, और वो लोग जो मेंबर हैं लेकिन वोटर नहीं थे वो मौजूद थे, और उन्होंने सराजुद्दीन कुरैशी साहब को अपना और अपने साथियों का एतमाद दिया और एतमाद बहाल भी किया। शुक्रिया जी। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शकील खान है। माशाल्लाह आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई सराज साहब की, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह सराज साहब जीत रहे हैं। साहब आपको कैंडिडेट कैसे लगे? जी बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने, बहुत अच्छा बोले वो, और इंशाल्लाह ये पैनल जीत रहा है, पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। जी मैं इसरार खान एडवोकेट से बिल्कुल अलीगढ़ से हूँ और यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय स्टूडेंट। माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, ये पैनल जीत रहा है इंशाल्लाह। कुमार मोहम्मद अहमद, रिसर्च स्कॉलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट लीडर। आज जो पैनल है वो इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो सराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल है, और सराजुद्दीन कुरैशी पहले भी जो हैं इसके इस्लामिक स्टडीज उसके कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट कई मरतबा रह चुके हैं, तो आज इन्होंने अपना अलीगढ़ में प्रोग्राम किया, और जो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट हैं डॉक्टर माजी साहब, मैंने उनके ख़िताब में जो है सर सैद को बे इंतहा इज़्ज़त और मुरवत से उन्हें जो है वो ख़िताब करते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि अलीगढ़ वाले अच्छा फैसला करेंगे, और सर सैद की मोहब्बत जिसके दिल में होती है उसके हक में अलीगढ़ वालों का फैसला ऑटोमेटिकली होता ही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ अलीगढ़ से कि वो जो है अच्छा फैसला करें। आप भी बोल दो। अरे रहने दीजिए, क्या करेंगे, क्यों रहने दो, ये सब लोग शुक्रिया अदा कर दो कि आप यहाँ पे मेंबर नॉन मेंबर बहुत सारे इकट्ठे हुए, प्रोग्राम अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेंबर्स और नॉन मेंबर्स का जो यहाँ इकट्ठा हुए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं तले दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल में जितने भी फंक्शंस अभी तक हुए हैं हमारे पैनल के, उसमें सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा वेल अटेंडेड था ये फंक्शन। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज सिराज साहब बोले और उन्होंने लोगों से अपील की, वो शायद उनके दिल की आवाज़ थी, और वो आवाज़ अलीगढ़ वाले ज़रूर समझेंगे और इस चीज़ को सुनेंगे, इंशाल्लाह इस पैनल को कामयाब बनाएंगे। डॉक्टर माजिद तालकोटी ने भी जो अपील की है यहाँ से, वो भी इंशाल्लाह कामयाब होगी। मेरा नाम शनीला सिद्दीकी है, मैं आज़ाद फाउंडेशन से की प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी काम करती हूँ, और मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए आई हूँ जो हमारे माजिद साहब के लिए सिलेक्शन के लिए सिराजुद्दीन साहब ने प्रोग्राम किया है, रखा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि उनका सिलेक्शन के लिए उन्होंने जो ये नाम दिया है, ये बहुत सोच समझ के बहुत ही अच्छा इनके बारे में बताया गया है, और हम खुद माजिद साहब को बहुत पहले से जानते हैं और इनके साथ हमने कैंसर कैंप किया है गाज़ीपुर में, तो इनका जो एक देशभक्ति का जो एक अंदर उनके अंदर एहसास है गरीबों के लिए, इनका जो एक बहुत अच्छा मतलब इनका दिल से बहुत ये काम करते हैं गरीबों के लिए, इनके दिल में बहुत जगह है, तो उन्होंने गाज़ीपुर कैंप जो हमने किया था उसको उन्होंने मुक्त कराया, और वहाँ से इनका काफ़ी हमारा बहुत अच्छा उनका साथ रहा, तो हमें यहाँ से ये पता चला सिराजुद्दीन साहब से इनके बारे में, यहाँ पे जो इस्लामिक कल्चर के में जो चल रहा है ये हमें यहाँ पे आके इतना पता नहीं था, यहाँ से आके हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली जिससे
जिसके से हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो सिलेक्शन रखा है माजिद ताली कोटी साहब का, ये बहुत अच्छा सिलेक्शन रखा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये यहाँ पे अच्छा काम करेंगे और सबके फेवर में ही काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। शेरवानी है, मैं आज़ाद फाउंडेशन में कोऑर्डिनेटर हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद जो है सिराजुद्दीन साहब को और उनकी एंटायर टीम के लिए, और बहुत अच्छा उनका ये प्रोग्राम था और बहुत अच्छा लगा, और उनकी अवेयरनेस देख के ना बहुत ही अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह जो है हम लोग भी उनके उसमें जुड़ेंगे इंशाल्लाह उनके काम में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अल्लाह का शुक्र है जो अलीगढ़ में आने के बाद जो प्यार मिला, मोहब्बत मिली, मैं उनका शुक्रगुजार और एहसान मंद हूँ जो मेरी हिम्मत अफजाई की, और मुझे उम्मीद है उनके प्यार से मुझे एक खिदमत का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम।